जब भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन है कि कहता है कि टेम्परेचर डिपेंड नहीं करना है, दैट मीन्स टेम्परेचर कोफिशियंट मस्ट बी जीरो। इसमें अल्फा की वैल्यू बहुत कम होती है, ये 10^-5 का ऑर्डर का होता है, तो ये जो वैल्यू है 1 से बहुत कम है। नाउ आप यहाँ पे बाइनोमियली एक्सपेंड कर सकते हो, तो जब इसको बाइनोमियल एक्सपेंड करोगे तो यहाँ पे आएगा, तो बनेगा 1-2 अल्फा डेल्टा टी। जब तुम ये सीख जाओगे ना, देखो आईटीएन बनना है तो उनके पास दो चीज़ें होती हैं। पहला, सिर्फ दिमाग से आईटीएन नहीं बना जाता है, कुछ चीज़ें कॉमन सेंस वाली होती हैं। अगर 1000 के अंदर तुम्हें रैंक लानी है तो देखो क्या तरीका, क्या छोड़ना है पहले तुम्हें ये सीखना है, क्या करना है ये सीखना है। रजिस्टर का मास सेम है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एस है, तो ड्यूटी टेम्परेचर रेज करने में इतना हीट उलेगा, और हीट कहाँ से मिलेगा, ये जो DH है ना वही हीट ये रजिस्टर को लेना। हेलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड हीट ट्रांसफर्स। तो इसके भी क्वेश्चन लेवल वाइज होंगे, और आप क्वेश्चन देखिएगा और उसका अटेम्प्ट करिएगा। सारे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे लगेंगे, और नो डाउट अच्छे लगेंगे। अगर आपको फिजिक्स पसंद है तो ज़रूर अच्छे लगेंगे, और जैसा क्वेश्चन आएगा आपको करना है। और देखिए मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ। प्रॉब्लम की सीरीज है, क्वेश्चन नंबर 1। आज थोड़ी सी तबीयत सही नहीं है, ठीक है, बट लेक्चर ले रहा हूँ। आपको करना क्या है कि थोड़ी सी एनर्जी लेवल उतनी नहीं मिलेगी आपको, बट एक चीज ध्यान रखना, वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चंस बार देख लीजिए, क्वेश्चन का जो लेवल है वो है 60% के लेवल पे। चलो वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। आई थिंक आपने सॉल्व कर लिया होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि अ सिलिंड्रिकल आइसोट्रॉपिक सॉलिड ऑफ कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा। अ सिलिंड्रिकल आइसोट्रॉपिक, आइसोट्रॉपिक का मतलब होता है ना जिसकी प्रॉपर्टी चारों तरफ सेम हो, एंड सिलिंडर है, मार्क कर लिया। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा, ठीक है, एंड डेंसिटी इज रो, floats in a liquid of coefficient of volume expansion gamma, and density is d, इसकी density d है, as shown in the figures, column 1 and column 2, कर volume of the cylinder inside the liquid remain constant, इस cylinder का volume, अगर पानी के अंदर, time के, पानी के अंदर constant रहे time के साथ, तो फिर इसमें से कौन सा relation hold करना चाहिए? मैं बता दूं, एकदम प्यारा क्वेश्चन है, एकदम अच्छा क्वेश्चन, ठीक। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इनसाइड द लिक्विड रिमेन कांस्टेंट्स, रिमेन कांस्टेंट्स, ओके। तो एक काम करते हैं, क्योंकि ये फ्लोट कर रहा है तो फ्लोटिंग कंडीशन लगाते हैं, फ्लोटिंग कंडीशंस क्या होगा, नेट बायंसी फोर्स एमजी को बैलेंस करेगा। बायंसी फोर्स होता है भी रो जी, भी रो ऑफ लिक्विड्स इनटू जी, भी रो जी इक्वल्स टू एम इनटू जी, ओके। अच्छा, मास, इस सिलेंडर का जो मास है वो कभी भी चेंज नहीं हो सकता, चाहे टेम्परेचर आप कितना भी इंक्रीज करें या डिक्रीज करें, मास हम मानेंगे कि कांस्टेंट चल रहा है। अब बात करेंगे सबमर्ज वॉल्यूम, भी इज नथिंग बट सबमर्ज वॉल्यूम, भी इज नथिंग बट सबमर्ज वॉल्यूम। तो इस सबमर्ज वॉल्यूम है, इसको ऐसे रहने देंगे। डी लिक्विड की डेंसिटी है, अच्छा लिक्विड की डेंसिटी टेम्परेचर के साथ जो आएगा वो हो जाएगा, अगर मैं कहूँ कि ये फाइनल डेंसिटी डी डैश है, लिक्विड की डेंसिटी डी डैश है, तो बनेगा डी डिवाइडेड बाई 1+ γ डेल्टा टी। ये आपको ऑलरेडी पता होगा कि डेंसिटी का टेम्परेचर के साथ रिलेशन होता है, डेंसिटी का टेम्परेचर के साथ रिलेशन होता है, दिस वन, ये रिलेशन है। अब मैं इस रिलेशन का यूज कर रहा हूं, तो फाइनल डेंसिटी डी डैश, इनिशियल डेंसिटी डी, 1+γ डेल्टा टी इंटू जी, जी से जी कैंसिल आउट हो जाएगा, इज इक्वल्स टू एम। लेकिन वीएस क्या होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए, उनके अनुसार क्या है, ये पार्ट में वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इनसाइड द लिक्विड रिमेन कांस्टेंट, तो ये इनसाइड लिक्विड ही तो है, वीएस जो है वो कुछ और नहीं, इनसाइड लिक्विड है, तो इनसाइड लिक्विड वीएस कांस्टेंट है, डी तो इनिशियल डेंसिटी है जो कि कांस्टेंट है,
ठीक है, ये डी डैश फाइनल डेंसिटी है जो कि टेम्परेचर पे इस तरीके से डिपेंड कर रहा है। तो वी एस तभी, वी एस भी कांस्टेंट है, ए भी कांस्टेंट है, डी भी कांस्टेंट है, ये तभी पॉसिबल है जब ये टर्म्स कांस्टेंट रहे, ये टर्म कांस्टेंट रहे। दैट मीन्स डेल्टा टी के चेंज होने के बाद भी ये टर्म ना चेंज हो, ये तभी पॉसिबल है जब गामा की वैल्यू क्या हो, जीरो। अगर गामा जीरो हो जाता है, अगर गामा जीरो हो जाता है तो जीरो इंटू डेल्टा टी इज ऑलवेज जीरो, तो फिर ये डी में चेंज नहीं आएगा, डी में चेंज नहीं आएगा। दैट मीन्स वी एस क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा। आई थिंक आप समझ गए होंगे मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। दैट मीन्स ए का जो आंसर होना चाहिए दैट मस्ट बी पी, ए का आंसर पी होना चाहिए। तो मैं इसको इधर मार्क करता हूँ, यहाँ पर एक का जो आंसर है ए का दैट इज पी। इसके बाद हम आते हैं, द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आउटसाइड द लिक्विड रिमेन कॉन्स्टेंट, लिक्विड के बाहर जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट है। तो चलो हम वॉल्यूम बाहर का निकालते हैं, यहां से एक रिलेशन आ गया दैट इज वी एस डी डैश सबमर्ज वॉल्यूम इनटू फाइनल डेंसिटी, जी से जी कट गया इज इक्वल्स टू एम। अब हमको ऊपर का वॉल्यूम निकालना है, वो कैसे निकलेगा ऊपर का वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम जो है हुआ है, टोटल जो फाइनल वॉल्यूम आया है हुआ है उसमें से नीचे का वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, नीचे का वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आ जाएगा ऊपर का वॉल्यूम। तो बी पार्ट के लिए मैंने क्या किया, तो जो ऊपर का वॉल्यूम आएगा बी अप बी डबल डे वो कुछ और नहीं आएगा, वो आएगा टोटल वॉल्यूम बी डैश, टोटल वॉल्यूम बी डैश माइनस सबमर्ज वॉल्यूम। अच्छा बी डैश क्या होगा, वी डैस जो होगा वो होगा इनिशियल वॉल्यूम, मान लो वी नॉट है, इनिशियल वॉल्यूम वी नॉट है, इनटू उसका थर्मल एक्सपेंशन कोफिशेंट, इसका थर्मल एक्सपेंशन कोफिशेंट क्या है, अल्फा है, लिखा हुआ देखो अल्फा है। तो वी नॉट इनटू वन प्लस थ्री अल्फा डेल्टा टी बनेगा माइनस सबमर्ज वॉल्यूम। अच्छा सबमर्ज वॉल्यूम अभी आपने निकाला था दैट इज एम अपान दिस वन। अच्छा यहाँ से भी देख लो, यहीं से भी एफ की जो वैल्यू आएगी ये कुछ और नहीं आएगी, इसको इधर भेज दो तो बनेगा एम इंटू वन प्लस गामा डेल्टा टी डिवाइडेड बाई डी, ये बनेगा इस वी एस को उठा के वहाँ पे रख दो तो बनेगा एम अपान डी वन प्लस गामा ऑफ लिक्विड इंटू डेल्टा टी, ये बन गया। और डी डेंसिटी किसकी है, लिक्विड की डेंसिटी है, डी इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड एंड रो इज द डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। अच्छा जब भी कहे ना कि ये चीज टेम्परेचर डिपेंड ना कर रहा है, इसका मतलब टेम्परेचर का कोफिशेंट आपको जीरो करना होगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ, जब भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन है कि कहता है कि टेम्परेचर डिपेंड नहीं करना है, दैट मीन्स टेम्परेचर कोफिशेंट मस्ट बी जीरो। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, टेम्परेचर कोफिशेंट निकालेंगे, इसको भी नॉट कैसे रहने दो, यहाँ से आएगा डेल्टा टी कॉमन और ये माइनस एम डी है यहाँ पर ला के रख दो, प्लस डेल्टा टी यहाँ पे लाएंगे, यहाँ से डेल्टा टी कॉमन, तो थ्री अल्फा वी नॉट बनेगा, थ्री अल्फा वी नॉट बनेगा। वी नॉट इनिशियल वॉल्यूम है किसका, सॉलिड का, रिपीट कर रहा हूँ, वी नॉट इज द इनिशियल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। इसको मैं क्या लिखूंगा, माइनस एम अपान डी इंटू गामा मल्टीप्लाई हो रहा, डेल्टा टी बाहर आ गया। अब कह रहा है कि ये वो वॉल्यूम है जो कि ऊपर है, पानी के ऊपर है, ये टाइम के साथ चेंज नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होना चाहिए, ये तभी पॉसिबल है, ये सब तो कांस्टेंट है। डेल्टा टी का कोफिशियंट जीरो होना चाहिए, तो डेल्टा टी का कोफिशियंट है, इसको जीरो कर दो, तो बन गया थ्री अल्फा इंटू वी नॉट इज इक्वल टू एम अपान डी इंटू गामा। अच्छा एम सॉलिड का मास है, वो किससे आएगा, सॉलिड का वॉल्यूम इंटू सॉलिड की इनिशियल डेंसिटी, रो रो इज द इनिशियल डेंसिटी, देखो रो इज द इनिशियल डेंसिटी ऑफ सॉलिड। तो आपको क्या करना था, इस एम की जब मैं लिखा वी नॉट इंटू रो इंटू गामा अपान स्मॉल डी, तो देखो इससे ही कैंसिल आउट हो गया और इससे थ्री अल्फा की वैल्यू आ गई, दिस इज रो अपान डी इंटू गामा। अगर ये रिलेशन होल्ड करता है तो ऊपर का जो वॉल्यूम है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा, हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगा। तो इसका जो आंसर था थ्री अल्फा इक्वस टू रो गामा रो अपान डी, दैट मीन्स आर इसका आंसर है, का मतलब हमारे बी पार्ट का जो आंसर आने वाला है दैट इज नथिंग बट आर, आपने देख लिया।
सी पार्ट कह रहा है द हाइट ऑफ द सिलेंडर आउटसाइड द लिक्विड रिमेन कॉन्स्टेंट। नाउ इस पार्ट में वॉल्यूम की बात कर रहा था, इस पार्ट में वॉल्यूम की, इस पार्ट में हाइट की बात कर रहा है। मतलब पानी के बाहर का जो हाइट है ना, ये वाली हाइट, वो टेम्परेचर भी डिपेंड ना करे, ये टेम्परेचर भी डिपेंड ना करे, हाइट डिपेंड ना करे। ओके तो फिर हाइट के लिए मैंने क्या किया, सी पार्ट पे चलते हैं। अच्छा ये क्या है आउटसाइड वॉल्यूम, ये है द आउटसाइड वॉल्यूम। अगर आउटसाइड वॉल्यूम पता है तो हाइट किससे आएगा, एरिया, फाइनल एरिया से अगर मैं डिवाइड कर दूं एरिया से, तो आपको क्या मिल जाएगा, हाइट मिल जाएगी। तो इसी भी डैश को आपको एरिया से डिवाइड करना है, मतलब जो एच डबल डैश आएगा ऊपर की ओर, वो टोटल एरिया से डिवाइड करेंगे। दैट मीन्स ये टर्म्स है ना, इस टर्म्स का मुझे हेल्प लेना है। दैट इज वी नॉट 1+3 अल्फा डेल्टा टी डिवाइडेड बाई एरिया। एरिया आएगा आपका इनिशियल एरिया, मान लो कैपिटल ए है, इनिशियल एरिया कैपिटल ए नॉट है, तो कैपिटल ए नॉट प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी। देखो मैं इस इक्वेशन को डिवाइड कर रहा हूँ एरिया, फाइनल एरिया से, आई थिंक आपको समझ में आ ही रहा होगा, तो एरिया से डिवाइड कर रहा हूँ। ये बनेगा माइनस एम अपान डी 1+ गामा डेल्टा टी एंड अगेन डिवाइड बाई ए वाला एरिया, ए नॉट 1+ 2 अल्फा डेल्टा टी, ये बनेगा। अब इसमें क्या करेंगे, एच डैश के लिए अब इस टेम्परेचर के टर्म्स के ऊपर लेके जाएंगे, तो हो जाएगा वी नॉट अपान ए नॉट, जो कि कॉन्स्टेंट टर्म्स है। डेल्टा टी का टर्म ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा 1+3 अल्फा डेल्टा टी। और ये देखो इसको ना तुम लिख सकते हो, ऊपर भेजोगे तो बन जाएगा 1+2 अल्फा डेल्टा टी का पावर -1 बनेगा, बनेगा ये ऊपर जाएगा तो। लेकिन ये जो टर्म होता है ना, इसमें अल्फा की वैल्यू बहुत कम होती है, ये 10 का पावर -5 का ऑर्डर का होता है, तो ये जो वैल्यू है 1 से बहुत कम है। नाउ आप यहाँ पे बाइनोमियली एक्सपेंड कर सकते हो, तो जब इसको बाइनोमियल एक्सपेंड करोगे तो यहाँ पे आएगा तो बनेगा 1-2 अल्फा डेल्टा टी। तो मैं यहाँ पर लिख दिया 1-2 अल्फा डेल्टा टी। सिमिलरली ये भी आ गया -m/d इंटू, इसको आप ऐसे रहें दो, इसको 1+ गामा डेल्टा टी, इसको भी ऊपर भेज दो तो बनेगा 1-2 अल्फा डेल्टा टी। अब आपको डेल्टा टी के कोफिशेंट्स को बाहर निकालना है, तो एक काम करते हैं, थोड़ा इसकी से मल्टीप्लाई करके बताता हूँ कि मल्टीप्लीकेशन को कैसे चेक किया जाता है। ये 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1 आएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा 3 अल्फा डेल्टा टी बनेगा, और ये -2 वाला इससे मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा -2 अल्फा डेल्टा टी। लेकिन जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो अल्फा का स्क्वायर आ जाएगा, अल्फा का स्क्वायर अल्फा से बहुत कम होगा, क्योंकि अल्फा 10^-5 होता है, तो अल्फा का स्क्वायर 10^-5 होगा, -10 हो जाएगा, तो उसको तो और आपको नेगलेक्ट करना पड़ेगा, तो नेगलेक्ट करेंगे। दैट मीन्स जो मल्टीपल अल्फा का अल्फा के साथ आएगा उसको यहाँ पे नेगलेक्ट कर देंगे, नेगलेक्ट करेंगे, क्योंकि अल्फा के टर्म्स क्वेश्चन में दिख रहे हैं और 1 के टर्म्स दिख रहा है, तो नेगलेक्ट कर दिया, बनेगा -m/d इंटू, वैसे ही ये इसके साथ तो ये बनेगा 1+ गामा डेल्टा टी, और ये 1 इसके साथ आ गया, फिर इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ होगा 1 के साथ सिर्फ, तो ये 2 अल्फा डेल्टा टी बन जाएगा। बाकी ये इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि गामा भी 10^-5 के ही ऑर्डर का होता है। अब यहाँ से देखो डेल्टा टी के टर्म्स मुझे चाहिए सिर्फ, तो यहाँ पे 1 के टर्म्स, इस 1 के टर्म एक साथ कर लो, बी नॉट अपान ए नॉट -m/d बनेगा, अब प्लस डेल्टा टी का टर्म में लिखने जा रहा हूँ डेल्टा टी। अच्छा यहाँ पे डेल्टा टी जो आ रहा है इसके साथ मिलके वी नॉट अपान ए नॉट बनाएगा, लेकिन ये 3 अल्फा है, ये -2 अल्फा है, तो एक अल्फा बस बचा रहेगा, और डेल्टा टी कॉमन निकाल चुका हूँ, तो वी नॉट टी नॉट अल्फा का टर्म रहेगा। ओके अब यहाँ पे जो डेल्टा टी आ रहा है ये -, प्लस हो जाएगा, दिस इज प्लस, नहीं ये 2 है ना, वन सेकेंड, ये 2 है तो इससे तो ज्यादा, सॉरी, तो ये माइनस का टर्म इसके साथ आएगा तो गामा डेल्टा टी बनाएगा, लेकिन एम के टर्म भी तो रहेंगे, m/d इंटू गामा का टर्म रहेगा, डेल्टा टी तो बाहर आ चुका है इधर, फिर ये इसमें आएगा तो प्लस m/d बनेगा,
और ये टू अल्फा का टर्म और बच जाएगा। अब कह रहा है कि ये जो एच डैश है वो डेल्टा टी पर डिपेंड नहीं करना चाहिए, दैट मीन्स उसका कोफिशेंट जीरो करेंगे, तो ये कोफिशेंट हम जीरो कर देंगे। तो जीरो करते हैं तो बनेगा आपको वी नॉट अल्फा अपान ए नॉट माइनस एम वाई अपान डी एम अपान डी इंटू टू अल्फा एंड दैट इज जीरो। अच्छा मास को मैं क्या लिख सकता हूँ, मास को मैं लिख सकता हूँ वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। अच्छा ये क्या है, ये मास बाई डेंसिटी वॉल्यूम होगा। अच्छा इसमें ना एरिया के टर्म्स थोड़ा बचे रह गए थे, ये एरिया का टर्म्स है वी नॉट अपॉन ए नॉट, ये तो एरिया का टर्म रहेगा। यहाँ पे ना कुछ तो गड़बड़ हुआ, देखो इसको इधर भेजा, इसको मैंने इधर भेजा, तो ये ए नॉट का टर्म यहाँ पर रहेगा, ऐसे ए नॉट के टर्म्स रहेंगे, वैसे यहाँ पे भी ए नॉट के टर्म्स रहेंगे, तो ये वी नॉट ए ए नॉट का टर्म बनेगा, यहाँ से एम अपान डी ए नॉट का टर्म यहाँ पे बनेगा, बाकी डेल्टा टी के साथ वी नॉट अपान ए वाला टर्म तो मैंने लिख लिया, बट यहाँ पे भी ए नॉट के टर्म्स रहेंगे और यहाँ पे भी ए नॉट के टर्म्स रहेंगे। ठीक है, तो ए नॉट के टर्म्स जो आ रहे हैं ना, ए नॉट के टर्म्स इसमें भी आएंगे, ए नॉट के टर्म्स यहाँ से भी ए नॉट के टर्म्स आएंगे जो कि कैंसिल आउट हो जाएंगे। ए नॉट के टर्म्स फिलहाल यहाँ से कायदे से देखो तो कैंसिल होते नजर आ रहा है। वन सेकेंड, ये ए नॉट का टर्म यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, आप समझ गए होगे। एक चीज़ और, अच्छा ये मास को क्या लिख सकता हूँ, ये वी नॉट इंटू अल्फा, मैं मास को लिख सकता हूँ वॉल्यूम इंटू डेंसिटी डी गामा अपान डी, इसको मैं लिख सकता हूँ अगेन मास को वॉल्यूम इंटू डेंसिटी अपान स्मॉल डी इंटू टू अल्फा जीरो, तो वी नॉट के टर्म भी कैंसिल आउट हो गए। अब बच गया अल्फा का टर्म, तो अल्फा का टर्म यहाँ से कॉमन निकाल लो, तो ये बनेगा वन प्लस रो अपान डी इज इक्वल टू, इसको इधर भेज दो तो बनेगा रो अपान डी। अगर ये इक्वेशंस होल्ड करता है, इसमें गामा के टर्म्स कहाँ गए हमारे, ये है गामा का टर्म्स, अगर ये रिलेशन होल्ड करता है तो मैं कह सकता हूँ कि आउटसाइड हाइट कॉन्स्टेंट रहे, तो ये रिलेशन देखो कहाँ होल्ड कर रहा है, ये गामा इज इक्वल टू ये टू अल्फा प्लस अल्फा डी अपान रो आ रहा है ना, तो गामा इक्वल टू ट्वाइस का टर्म मुझे एक बार देखना पड़ेगा, ये ट्वाइस के टर्म्स है ना, टू ये टू के टर्म्स इससे बन रहा, तो ये आ रहा है देखो। देखो तो मैंने क्या किया, सिंप्लीफाई किया इस इक्वेशन को, मैं यहाँ पे लाया ऐसे, इसको मैंने इधर भेज दिया, फिर वाई गामा इक्वल्स टू रो अपान डी से डिवाइड कर दिया, तो ये इक्वेशन सोल्व कर गया। तो आपने देखा कि ये जो इक्वेशन है वो अगर होता है तो आप कहोगे कि हाइट जो ऊपर होगा वो कांस्टेंट रहेगा, इसका मतलब इसका जो आंसर है देख सकते हैं टू अल्फा वन एस इसका आंसर होगा, दैट मीन्स सी का आंसर होना चाहिए दैट इज एस। डी पार्ट कह रहा था हाइट ऑफ द सिलेंडर इनसाइड द लिक्विड रिमेन कांस्टेंट, हाइट ऑफ द लिक्विड इनसाइड द सिलेंडर, सिलेंडर के अंदर कांस्टेंट रहे हाइट, सिलेंडर के अंदर कांस्टेंट रहे, तो ये तो सिलेंडर, ये तो पानी के अंदर सबमर्ज वॉल्यूम है, तो पानी के अंदर का हाइट कांस्टेंट रखना है, इसका मतलब पानी के अंदर का वॉल्यूम को एरिया से डिवाइड कर देंगे तो पानी के अंदर का हाइट आएगा। ठीक है, तो इसके लिए मैंने क्या किया, ओके तो हमें निकालना था पानी के अंदर, ये तो पानी के बाहर का वॉल्यूम है ना, तो मुझे पानी के अंदर का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, पानी के अंदर का जो सबमर्ज वॉल्यूम है वो है, देखो पानी के अंदर का सबमर्ज वॉल्यूम ये है, इसको उठा के यहां पे लाओ, बी एस एस एम अपान डी इंटू वन प्लस गामा डेल्टा टी, वन प्लस गामा डेल्टा टी। अब इसको ना पानी के अंदर की हाइट निकालने के लिए इसको एरिया से डिवाइड करो, तो एम अपान डी इंटू एरिया, एरिया जो आएगा दैट इज ए नॉट इंटू वन प्लस टू अल्फा डेल्टा टी, ये बनेगा, ये ऊपर आएगा तो वन प्लस गामा डेल्टा टी बनेगा,
अच्छा मास तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ये ए नॉट इनिशियल रही है कांस्टेंट रहेगी, डी इनिशियल डेंसिटी है लिक्विड का वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, तो इसको ऊपर भेज दो तो हो जाएगा वन प्लस गामा डेल्टा टी इंटू, ये ऊपर जाएगा तो बनेगा वन माइनस टू अल्फा डेल्टा टी। अब यहाँ से तुम लिख सकते हो इसको, इसको बाकी ये तो टर्म्स रहेंगे ही, दैट इज बट ये कांस्टेंट है, एम इंटू डी ए नॉट टी तो कांस्टेंट है, तो इसको मैंने एम अपान डी ए नॉट लिखा ब्रैकेट में, ये इसके साथ बनेगा वन, ये इसके साथ बनेगा गामा डेल्टा टी, और ये यहां मल्टीप्लाई बनेगा माइनस टू अल्फा डेल्टा टी, बाकी ये टर्म्स लिखने की जरूरत नहीं है। अब मुझे यहाँ पे डेल्टा टी का कोफिशियंट जीरो करना है, तो यहाँ पे जो डेल्टा टी का कोफिशियंट आएगा ये यहाँ सारा गामा, और यहाँ से डेल्टा टी का कोफिशियंट है टू अल्फा माइनस टू अल्फा एंड दैट शुड बी जीरो, दैट मीन्स गामा इज नथिंग बट टू अल्फा। अगर ये रिलेशन होल्ड करता है तो जो नीचे पानी में हाइट है वो टाइम के साथ क्या रहेगी, कॉन्स्टेंट रहेगी। आई थिंक आप समझ गए होंगे, इट्स आंसर इज टू अल्फा, इट्स आंसर इज टू अल्फा, क्यों इसका आंसर है, दैट मीन्स डी का जो आंसर होना चाहिए दैट शुड बी क्यू। तो आपने देखा कि ये एक थर्मल एक्सपेंशन का फ्लूइड मैकेनिक्स का दोनों मिला के एक अच्छा मिक्स प्रॉब्लम था, और आपने आपको सोल्यूशन समझ में आया भी हो ना। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकेंड वन, आप एक बार पढ़ लीजिए। ये मान के चलो 50% के लेवल पे क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कह रहा है क्या सिंपल सेकेंड प्रॉब्लम इज कंस्ट्रक्टेड आउट ऑफ अ वेरी थिन स्ट्रिंग ऑफ थर्मल कोफिशिएंट ऑफ इनर एक्सपेंशंस। अ सिंपल सेकेंड प्रॉब्लम इज कंस्ट्रक्टेड आउट ऑफ अ वेरी थिन स्ट्रिंग, तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि अ सिंपल सेकेंड पेंडुलम इज कंस्ट्रक्टेड आउट ऑफ वेरी थिन, आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। अ सिंपल पेंडुलम इज कंस्ट्रक्टेड आउट ऑफ वेरी थिन स्ट्रिंग ऑफ थर्मल कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इज अल्फा एंड वेरी हैवी पार्टिकल अटैच टू द वन एंड, द फ्री एंड ऑफ द स्ट्रिंग इज सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग ऑफ एन एलिवेटर एट रेस्ट, द पेंडुलम कीप द करेक्ट टाइम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, when the temperature rises to the 50 degree centigrade the elevator operator of the operator of mass, the elevator operator of mass itna kg being a student of the physics accelerate the elevator vertically, to have a pendulum correct time find the apparent weight of the operator when the pendulum keep correct time at 50 degree centigrade। समझ गए होगे, इसमें ना दो मिक्स चीज़ें आ रही हैं, पहला कि सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड पे टेम्परेचर का अफेक्ट, एंड दूसरा आ रहा है सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड पे ग्रेविटी एक्सलरेशन ऑफ लिफ्ट का असर इफेक्ट। चलो बात करते हैं, सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है उसका फॉर्मूला याद करो, वो होता है 2π√L/g होता है, ओके जी होता है, अभी हम लोग जी इफेक्ट की खैर बाद में बात करेंगे, बट अभी इसको ऐसे ही रहने दो। और अपरेंट वेट जो होगा, अपरेंट वेट वो कुछ और नहीं होगा, अपरेंट वेट जो आएगा, अपरेंट वेट वो आपका आएगा मास इंटू जी इफेक्टिव, और जो एक्चुअल वेट है वो कितना 60 kg है, तो 60 kg का आप लिखेंगे मास इंटू जी नॉट, तो आज के सर्फेस का जी, बस इस जी इफेक्टिव को जी नॉट के टर्म में लिख दूंगा, हमारा आंसर आ जाएगा। तो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड 2π√L/g है, मैंने क्या किया दोनों साइड में लॉग लिया, तो मैंने कहा ln 2π, देखो अल्फा तो बहुत स्मॉल है, ln 2π प्लस यहां से आएगा। अभी मैं सिर्फ ये करने जा रहा हूं, पता है क्या इसका मतलब, पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है ना कि इसमें एक बात मुझे समझ में आ रही है,
कि टाइम पीरियड चेंज ना करे। भाई एल इंक्रीज करेगा, अगर टेम्परेचर आप इंक्रीज कराओगे 50 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 से 50 लेके जाओगे, टेम्परेचर इंक्रीज कराओगे तो एल इंक्रीज करेगा। तो टाइम पीरियड तभी कांस्टेंट रहेगा सिंपल पेंडुलम का जब जी इंक्रीज करे, जी इंक्रीज करे मतलब जी इफेक्टिव, बेसिकली ये होता है जी इफेक्टिव इंक्रीज करे। जी इफेक्टिव कब इंक्रीज करता है, जब लिफ्ट ऊपर की ओर एक्सेलरेट करती है, तभी तो जी प्लस ए लिखते हो, जी प्लस ए। इसका मतलब अब मैं समझ गया कि अपरेंट वेट एम जी इफेक्टिव होगा और लिफ्ट के ऊपर एक्सेलरेट करना पड़ेगा, क्योंकि जब एल इंक्रीज करेगा तो ये इंक्रीज होगा, तभी तो टी कॉन्स्टेंट रहेगा। तो टी को कॉन्स्टेंट रखने के लिए जब एल इंक्रीज कर रहा है तो जी इफेक्टिव को इंक्रीज करना पड़ेगा, जी इफेक्टिव को आपको इंक्रीज करना पड़ेगा, जी इफेक्टिव को इंक्रीज करना पड़ेगा, दैट मीन्स अपरेंट वेट 60 से ज्यादा आएगी। और इतना मैं ये जानता हूं अच्छे से, पता है क्या कि इस लेंथ में जितना इंक्रीज होगा, इस लेंथ में जितना इंक्रीज होगा फाइनल लेंथ आएगा, उतना ही जी इफेक्टिव का रेशियो भी बने, तो हमारा आंसर सेम आ जाएगा। इसका मतलब मान लो इनिशियल लेंथ एल नॉट होता, लेट्स हालांकि उन्होंने दे रखी है क्या, नहीं दे रखी है, मान लो इनिशियल लेंथ एल नॉट है, तो आप लिखोगे एल नॉट अपान जी नॉट इज इक्वल टू टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद ये क्या हो जाएगा, एल नॉट ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, अल्फा क्या है तो 20 इंटू 10 का पावर माइनस 4 इंटू टी, टेम्परेचर कितना है 50 एंड डिवाइडेड बाई, एंड जी इफेक्टिव हो जाएगा जी प्लस ए मतलब जी नॉट प्लस ए। अरे हमें जी इफेक्टिव ही तो चाहिए ना, क्यों, तो ये जी इफेक्टिव यही तो है, नीचे वाली जो वैल्यू है, बस ये मिल गया हमारा आंसर आ जाएगा, तो ये इसे कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे जी इफेक्टिव की वैल्यू मिल गई आपको, दैट इज जी नॉट ब्रैकेट में 1 प्लस ये कितना आएगा, 5 दूनी 10 आएगा, 5 दूनी 10 आएगा और एक जीरो दो जीरो तीन जीरो आएगा, तो 10^-1 बनेगा, ये बन गया इतना। इसको उठा के आप यहां पर रख दीजिए तो जो अपरेंट वेट आएगा वो हो जाएगा एम इंटू जी इफेक्टिव जगह पे जी नॉट ब्रैकेट में 1 प्लस 0.1 है बेसिकली, और एम जी नॉट की जगह पे मैं क्या 60 लिख सकता हूँ, यहां पर अगर मैं 60 लिख दूं तो 1 प्लस 0.1 दैट मीन्स इट इज नथिंग बट 1.1 दैट इज अपरेंट वेट इज नथिंग बट 66 kgf, 66 kg, ऑपरेटर ऑफ मास इतना, ठीक है kgf लिख सकते हैं, तो आंसर इज 66 kgf। तो आपने देखा कि एक सिंपल क्वेश्चन हमने डील किया और किस तरीके से जी इफेक्टिव को इसमें एडजस्ट किया गया। सेकेंड के बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं, आप इसको भी हम लोग 55% लेवल पर रखेंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे। कह रहा 1 लीटर फ्लक्स कॉन्टेन सम मर्करी, 1 लीटर फ्लक्स ये 1 लीटर का फ्लक्स है, कॉन्टेन सम मर्करी, फाउंड दैट द डिफरेंट टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द फ्लक्स। ये जो एयर है ना, एयर इसका जो वॉल्यूम है रिमेन द सेम, वो नहीं चेंज हो रहा, मतलब ये वॉल्यूम कांस्टेंट है। द वॉल्यूम ऑफ द मर्करी इन द फ्लक्स इज एक्स, द वॉल्यूम ऑफ मर्करी इन द फ्लक्स इज एक्स बाई 100। ये जो मर्करी है इसका जो वॉल्यूम है एक्स बाई 100 लीटर है मर्करी। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स कोफिशेंट, इस एक्स की वैल्यू कितनी होगी, द वैल्यू ऑफ एक्स सॉरी द कोफिशेंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ द ग्लास इज इतना एंड कोफिशेंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ मर्करी इज इतना। अब समझ गए कि ये जो क्वेश्चन है और जो हमने पहला मैथ द कॉलम बताया था आपको, वो क्वेश्चन ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट सिमिलर बनते नजर आ रहा है। तो आपको क्या करना है कि इस वॉल्यूम को आपको वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आपको इसमें करना है कि इस वॉल्यूम को कॉन्स्टेंट रखना है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले पता करते हैं कि टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा। टोटल वॉल्यूम तो 1 लीटर है इसका,
तो जो फाइनल वॉल्यूम बनेगा इस वेसल का वो बनेगा 1 लीटर, ब्रैकेट में 1 प्लस गामा डेल्टा टी। गामा कितना है देखो, अल्फा 9 है, 9 10 पावर -6, तो गामा इसका 3 टाइम्स हो जाएगा, तो 3:9। इसको अल्फा लिख लो ना, इसको अल्फा और इसको गामा, इसको मैंने गामा लिख लिया, तो अल्फा के टर्म पे ले लिख लेते हैं, बाद में वैल्यू प्लेस कर लिया जाएगा, तो ये बन गया 3:2 अल्फा डेल्टा टी। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद इस पूरे वैसल का वॉल्यूम इतना हो जाएगा। अब मुझे इस मरकरी का वॉल्यूम चाहिए। अच्छा, इस मरकरी का जो फाइनल वॉल्यूम बनेगा, मरकरी का वो बनेगा, इनिशियल वॉल्यूम मरकरी का x/100 है, x/100 है। तो इस फ्लास्क का पहला वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम, किसी टाइम टी पे वॉल्यूम इतना हो गया, और इसका टेम्परेचर टी पे और डेल्टा टी इंक्रीज करने पे इसका वॉल्यूम आएगा 1 प्लस गामा डेल्टा टी, इतना आएगा। समझ गए होगे? अब मुझे ऊपर का वॉल्यूम निकालना है जो कि एयर का वॉल्यूम है, तो ऊपर का जो वॉल्यूम आएगा इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके आएगा, तो ये आएगा, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लो, तो बनेगा 1 प्लस 3 अल्फा डेल्टा टी -x/100, माइनस इससे इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो -x/100 गामा डेल्टा टी बनेगा। और अब मुझे क्या करना है, डेल्टा टी का कोफिशियंट्स को जीरो करना है, ताकि वॉल्यूम डेल्टा टी पे डिपेंड ना करे, टेम्परेचर राइज डिपेंड ना करे। तो हमने क्या किया, यहाँ से डेल्टा टी का कोफिशियंट क्या है, 3 अल्फा, यहाँ पर डेल्टा टी का कोफिशियंट है x y/100 -x y/100, और ये क्या करेंगे, जीरो कर देंगे। अब देखो यहाँ से मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू के लिए इसको इधर भेजोगे, तो x इज इक्वल टू आएगा 300 अल्फा, 300 अल्फा डिवाइड बाई y। अब आ गया x इज इक्वल टू 300, अल्फा की जो वैल्यू है वो है, अल्फा है 9 × 10^-6, 9 × 10^-6, एंड गामा है 1.8 × 10^-4, 1.8 × 10^-4। अब यहां देखो ये इसके साथ कैंसिल आउट कर देगा, और ये बनेगा 9 × 2 = 18, 0.2 बनेगा, 0.2 ऊपर जाके इसको 15 में कन्वर्ट कर देगा, तो इट्स आंसर इज 15। ठीक है, एक बार मैं आंसर वेरीफाई कर लूँ कि इसका आंसर क्या है। इट्स आंसर इज 15। ओके, इसके बाद हम आते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वो है दिस ग्राफ। ये जो ग्राफ है, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, मतलब इस ये ग्राफ बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इसमें ये जो लिखा हुआ है ना, कंडक्टिंग वॉल लिखा हुआ है, ये वॉल कंडक्टिंग वॉल है, इधर वाटर है, इधर आइस है, ये ए है, ये बी है, दिख रहा है। दूसरा ये जो है, ये इंसुलेटिंग है, इंसुलेटिंग है, देखो इंसुलेटिंग, ये ग्राफ है, इधर टाइम दिखा रहा है और इधर टेम्परेचर दिखा रहा है, ये ग्राफ है, ये आइस का ग्राफ है, टेम्परेचर वर्सेस टाइम ग्राफ, देखो टाइम टी मिनट में है, टी मिनट में है, टेम्परेचर वर्सेस टाइम का ग्राफ है, ये ग्राफ वाटर का है ऐसे, और आइस का ग्राफ सीधे ऐसे आ रहा है यहाँ तक। इस पूरे ग्राफ को स्टडी करने के बाद आप क्वेश्चन पे जाने हैं, आपको वीडियो पॉज करके एक बार पढ़ना है, इसके बाद में ये है आपका थर्ड हो गया, ये आ गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, का जो लेवल है, एक बार मैं बता दूं, सारे के सारे बहुत अच्छे क्वेश्चन, 55 या 60% पे मानो इन सारे क्वेश्चनों को। क्वेश्चन नंबर 4 आपको पढ़ लेना है और बैक जाके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 5, क्वेश्चन नंबर 5 में ये भी 60% के ही लेवल पे है। क्वेश्चन नंबर 6 ये भी 60% के ही लेवल पे है। तो आपके सामने कितने क्वेश्चंस हैं, एक क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करके सॉल्व करना है, एक ये है,
वीडियो पॉज करके सॉल्व करना है, एक ये है वीडियो पॉज करके सॉल्व करना है। तो टोटल आपके सामने तीन क्वेश्चन है, 4, 5, 6, और ये है कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को सॉल्व करें। ओके, स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि इतना केजी सैंपल ऑफ वाटर, 0.60 केजी सैंपल ऑफ वाटर, वाटर का जो मास है 0.6 केजी है, मतलब मास ऑफ वाटर जो है 0.6 केजी है, मैंने यहां लिख दिया। ठीक है, एंड सैंपल ऑफ आइस आर प्लेस इन टू कंपार्टमेंट ए एंड बी, और आइस भी है इसमें, वाटर भी है। वाटर का मास तो क्वेश्चन में दिया गया 0.6। सपोर्टेड बाय कंडक्टिंग वॉल, कंडक्टिंग वॉल का मतलब है कि हीट ट्रांसफर कर सकता, हीट इधर उधर ट्रांसफर कर सकता। इन अ थर्मली इंसुलेटेड कंटेनर, ये थर्मली इंसुलेटर है, बाहर से हीट नहीं आएगा। द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर फ्रॉम द वाटर टू द आइस, वाटर से आइस की तरफ हीट ट्रांसफर होने का जो रेट है, कॉन्स्टेंट पी, वॉल इज कॉन्स्टेंट पी, कंडक्टिंग वॉल इज कॉन्स्टेंट पी, मतलब कॉन्स्टेंट रेट से ये हीट ट्रांसफर कर रहा है, वाटर आइस को कॉन्स्टेंट रेट से हीट ट्रांसफर कर रहा है। अनटिल द थर्मल इक्विलिब्रियम इज रीचेस, जब तक थर्मल इक्विलिब्रियम नहीं आता है तब तक कॉन्स्टेंट रेट से हीट ट्रांसफर कर रहा है, कॉन्स्टेंट रेट से हीट ट्रांसफर कर रहा है। ठीक है, अब जैसा लिखा है वैसा लिखा। द टेम्परेचर टी ऑफ द लिक्विड वाटर एंड आइस आर गिवन इन द ग्राफ एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी, वाटर का आइस ग्राफ टाइम के साथ ऐसे बना हुआ है। द टेम्परेचर ऑफ कंपार्टमेंट रिमेन होमोजेनियस ड्यूरिंग द होल हीट ट्रांसफर प्रोसेस, टेम्परेचर ऑफ कंपार्टमेंट मतलब इस कंपार्टमेंट, इसका जो टेम्परेचर है वो हर जगह क्या है, टाइम के साथ बराबर है, इसका भी हर जगह टाइम के साथ बराबर है। गिवन स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ आइस इज इतना, हीट वाटर इज इतना, एंड लेटेंट हीट इज 3.3, दिस वन पूछा है पी की वैल्यू बताइए, पी की व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी। ठीक अच्छा, इसमें ये बताओ, ये जो इसको हीट दे रहा होगा किसी टाइम पे, इसका मास मान लो m है, मास मान लो m है, तो आप इसको लिख सकते हो डी क्यू इक्वस टू एम एस डी टी, लिख सकते हो। वाटर है, उसका टेम्परेचर ड्रॉप कर रहा है धीरे धीरे, तो एम एस डी टी लिख सकते हो। ऑफ कोर्स कर्व ड्रॉप कर रहा है, वो इससे भी समझ में आ रहा है। देखो टाइम के साथ टी बराबर जीरो से एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ, एंड वाटर का टेम्परेचर धीरे 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 ग्रेजुअली डिक्रीज कर रहा है, ग्रेजुअली डिक्रीज कर रहा है। कायदे से देखो ये ग्राफ बता रहा है कि टी बराबर जीरो पे इस वाटर का टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि आइस का टेम्परेचर ये वाला यहाँ पे है, तो ये तो -20 है, ये -30 रहा होगा बेसिकली, दिस इज -30, ये जीरो है, ये -10 -20 -30। ओके, तो ये कॉन्स्ट गिर रहा है, तो मैं लिखूंगा डी क्यू इक्वल्स टू एम एस डी टी, इसको मैंने टाइम से डिवाइड कर दिया, इसको मैंने टाइम से डिवाइड कर दिया। अच्छा, ये डी क्यू बाई डी टी क्या है, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है फ्रॉम वाटर टू आइस, तो यही क्या पावर है पी, यस यही है पावर पी, वो आपको निकालना है एम एस दिस वन, एम एस दिस वन, और ये कॉन्स्टेंट होना चाहिए क्वेश्चन में, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। ओके, तो हमें निकालना था, देखो
ये निकालना है, मास तो कभी चेंज नहीं सकता, वाटर का मास हमेशा यही रहेगा, कभी चेंज नहीं होगा। वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी देखो क्वेश्चन में मेंशन है, वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 4200, तो आप यहाँ आप लिखेंगे 4200 इंटू, ये निकालना पड़ेगा, ये कुछ और नहीं है स्लोप है, टेम्परेचर वर्सेस, ये टेम्परेचर वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप है किसका, वाटर के लिए, इसका स्लोप निकालना पड़ेगा। देखो इसका स्लोप हर जगह क्या है, कांस्टेंट है क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, तो स्लोप कांस्टेंट आएगा, तो ये कितना 40 और ये कितना है, तो ये भी 40 है ना, देखो 40, तो ये 40/40 ये इस लाइन का स्लोप बनेगा, ये डिग्री सेंटीग्रेड बट ये मिनट में है ध्यान रखना, तो मैं इसको लिखने जा रहा हूँ स्लोप को, मैं लिख सकता हूँ टेम्परेचर चेंज 40-0 डिवाइड बाई टेम्परेचर चेंज, कि टाइम का चेंज कितना है 40 टाइम सेकेंड में है, तो इसको मिनट में ना 40 सेकेंड में बदलो, देखो मिनट में जा रहा है तो ये 40 मिनट है, सेकेंड में बदल लिया। अब यहां से कितना आएगा देखो, ये इसको कैंसिल आउट कर देगा, ये 0 भी इसको कैंसिल आउट कर देगा, और इसको जब सॉल्व करोगे तो पूरा पूरा 42 में कन्वर्ट होगा, क्योंकि एक 0 इसको कट करवाएंगे और 6 से 6 कट करवा देंगे, तो 40 वॉट इज आंसर। तो कांस्टेंट रेट से हीट ट्रांसफर कर रहा है किसको, आइस को। आपने देखा एक ठीक क्वेश्चन है, 5 पे आता है, द इनिशियल मास ऑफ द आइस इन द कंटेनर, कंटेनर में आइस का इनिशियल मास कितना है, ओके आइस का इनिशियल मास कितना है, तो ये जो हीट दे रहा है ना, ये हीट कौन ले रहा होगा, ये जो हीट ले रहा होगा वो आइस ले रहा होगा, तो आप आइस पे क्या लगाएंगे, आप आइस पे लगाएंगे एम ऑफ आइस एस ऑफ आइस इंटू डी टी, और यही 42 के बराबर होगा, लेकिन ये आइस का रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर होगा, आर यू गेटिंग माई पॉइंट ना, तो एम एस आइस पे लगा दिया 42 के बराबर कर दिया, अब आइस निकालना है, लेकिन क्वेश्चन में आपको आइस का स्पेसिफिक कैपेसिटी पता है 2100 है, आइस का 2100 है, तो यहां पे मैं लिखा 2100 और ये हो जाएगा रेट ऑफ टेम्परेचर चेंज, ये कितना आएगा निकालना पड़ेगा, ये जो आपका है वो ग्राफ से समझ में आएगा, जस्ट वेट करो, ये आइस का देखो, आइस का इस रेट से टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो इसका स्लोप क्या होगा, ये 30, ये 0, तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये लगातार स्ट्रेट लाइन है यहाँ तक, इसका क्या है 60, 60, तो 60 मिनट, इस लाइन का स्लोप होगा 30/60, 30/60, तो स्लोप होगा 30/60 मिनट है, तो सेकेंड में बदल लें, और यही 42 के बराबर कर देंगे, क्योंकि कैलोमेट्री की प्रिंसिपल से एक ही जितना देगा दूसरा उतना ही हीट लेगा। अब ये कितना आएगा, ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो मैं इसको कैलकुलेट कर लूँ, तो ये आना चाहिए, फोर्टी टू इंटू 3600 डिवाइडेड बाई 2100 डिवाइडेड बाई 30, 2.4, इट्स मास इज 2.4, सॉल्व करने के बाद आइस का मास आता है 2.4 kg, तो आंसर इज सी पार्ट। इस तरीके से आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 5 बताया, क्वेश्चन नंबर 6 पे आता है, देखिए द मास ऑफ द आइस फॉर्म ड्यू टू द कन्वर्सन कन्वर्जन फ्रॉम द वाटर टिल द थर्मल इक्विलिब्रियम इज रीचेस एन इक्वल टू, जब एक बार थर्मल इक्विलिब्रियम रीच कर जाता है, मतलब फाइनल टेम्परेचर सेम हो जाता है, तो उस टाइम पे मास ऑफ आइस फॉर्म ड्यू टू द कन्वर्जन फ्रॉम द वाटर, द मास ऑफ द आइस फॉर्म ड्यू टू कन्वर्जन फ्रॉम द वाटर टिल, मतलब वाटर का कितना मास आइस में कन्वर्ट हुआ, क्वेश्चन है कि वाटर का कितना मास आइस में कन्वर्ट हुआ, द मास ऑफ द आइस फॉर्म ड्यू टू द कन्वर्जन फ्रॉम द वाटर टिल द थर्मल इक्विलिब्रियम इज रीचेस्ट इज इक्वल टू, तो ओके
ओके तो इसमें देखो क्या है, वाटर यहां से यहां तक कॉन्स्टेंट रेट से हीट दिया, इसमें लिखा हुआ है टिल टिल अंटिल द थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम तक, यहां पे थर्मल इक्विलिब्रियम आ गया क्योंकि टेम्परेचर, इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड का हो गया वाटर का, तो यहां तक तो एक कॉन्स्टेंट से दिया, कॉन्स्टेंट रेट से हीट दिया, लेकिन इधर वो उस रेट से हीट नहीं देगा क्योंकि अब वो 0 डिग्री थर्मल इक्विलिब्रियम का तो कंडीशन पा ही चुका है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर तो अटेंड कर ही चुका है, मतलब यहां पे आते आते ये पूरा पूरा वाटर 0 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर बन गया है यहाँ पे, मतलब 40 मिनट पे ये पूरा पूरा वाटर जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर बना हुआ है। इसके बाद जब वो आगे जाएगा तो इसका टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, मतलब इस प्रोसेस में जो वाटर है वो आइस में कन्वर्ट हो रहा है, इस प्रोसेस में वाटर आइस में कन्वर्ट हो रहा है, मुझे जानना है कि कितना वाटर कन्वर्ट हुआ आइस में, तो इसके लिए हमें ये जानना पड़ेगा कि इस यहाँ से लेके 40 मिनट और 60 मिनट के बीच में इस आइस ने कितना हीट दिया, हमें ये जानना होगा कि इस आइस ने 40 मिनट और 60 मिनट के बीच में कितना हीट दिया, वही हीट लेके कितना हीट इसने लिया, आइस ने 40 मिनट और 60 मिनट के बीच में आइस ने कितना हीट लिया, वही हीट लेके ये जो वाटर है वो किससे बदल गया, आइस से बदल गया, तो हमें निकालना पड़ेगा आइस ने कितना लिया, तो चलो कितना आइस ने कितना हीट लिया, तो आइस ने जो हीट लिया उसके लिए मैंने क्या किया, डी क्यू इक्वल्स टू मैं लिखूंगा एम ऑफ आइस इंटू एस ऑफ आइस इंटू डी टी। ओके अब मैंने यहां पे क्या किया, डेल्टा क्यू निकाला, तो डेल्टा क्यू क्या आएगा, तो एम ऑफ आइस एस ऑफ आइस इंटू डेल्टा टी, और यही हीट लेके वाटर जो है वो किस में बदल गया, आइस में बदल गया, वाटर का मतलब ये जितना हीट लिया आइस ने वो उस वाटर से लिया जो कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड था, तो जब वाटर 0 डिग्री सेंटीग्रेड का हीट देगा इतना तो किस में कन्वर्ट होगा वाटर, आइस में, तो जो फॉर्म वाटर होगा वो एम एफ लिख लो इंटू एल लिख लेंगे, एम एफ इंटू एल फॉर्म वाटर, मतलब वाटर का कन्वर्जन कर सकते हो, कन्वर्जन मतलब आइस में कितना कन्वर्ट हुआ, मतलब एम एम एफ का मतलब है मास ऑफ आइस फॉर्म फ्रॉम वाटर, आइस का वेट हमने निकाला था, मास ऑफ द आइस फॉर्म ड्यू टू कन्वर्जन फ्रॉम द वाटर टिल, ओके मास ऑफ आइस हमने निकाला था इसमें, इनिशियल मास ऑफ द आइस 2.4 लिखो यहाँ पे 2.4, आइस का स्पेसिफिक कैपेसिटी 2100 था, टेम्परेचर चेंज, आइस का टेम्परेचर कहाँ से कहाँ तक बदला है इस प्रोसेस में, देखो यहाँ का टेम्परेचर था कितना -10 -20 -10 से 0 टेम्परेचर चेंज हुआ, -10 से 0 टेम्परेचर चेंज हुआ, तो -10 से 0 का मतलब 10 एम एफ, और एल की जो वैल्यू है वो हमारी कितनी है, लेटेंट हीट, लेटेंट हीट है 3.3 × 10^5, 3.3 × 10^5, तो 3.3 × 10^5, अब एक काम करते हैं इसको कैलकुलेट कर ही लेते हैं हम लोग, तो ये वैल्यू जो आएगी आपकी वो आएगी 2.4 21 डिवाइड बाई 3.3, ये अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू है वो 0.15, द वैल्यू इज रफली 0.15 kg, और ये हमारा आंसर है, ठीक है, द मास ऑफ फॉर्म ड्यू टू द कन्वर्जन फ्रॉम द वाटर टिल द थर्मल इक्विलिब्रियम कन्वर्टेड 0.15 kg एंड इट्स आंसर बी पार्ट, तो आपने देखा कि मैंने कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया। नाउ इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 6, मैं जस्ट समझने की कोशिश कर रहा हूं, अगला क्वेश्चन है 6 के बाद, ये क्वेश्चन नंबर अब इस पे आते हैं, ये भी कंप्रेंशन, एक अच्छा कंप्रेंशन है, ठीक है। ओके तो ये जो क्वेश्चन है ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है,
देखिए, और इसका हर क्वेश्चन भी अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ 60% के लेवल पे है। आप इसकी वीडियो को एक बार देख लीजिए, कंप्रेहेंशन क्वेश्चन नंबर इसके बाद था, ये सिक्स था क्वेश्चन नंबर सेवन। एक बार इस कंप्रेहेंशन को रीड करने के बाद, यह है क्वेश्चन नंबर सेवन, लेवल है अगेन 60%। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर एट, लेवल है अगेन 60%। क्वेश्चन नंबर नाइन, लेवल है अगेन 60%। ओके, तो आपको क्या करना है, समझ गए होगे? ये है, पहले आप इसको देखेंगे, वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिए, क्वेश्चन पाएंगे, वीडियो पॉज करके सॉल्व करिए, फिर क्वेश्चन पाएंगे, वीडियो पॉज करके सॉल्व करिए, फिर क्वेश्चन पाएंगे, वीडियो पॉज करिए, सॉल्व करिए। तो मैंने मान लिया कि आपने सॉल्व कर लिया होगा। मैं पढ़ता हूँ, कह रहा है इन कंटेनर ऑफ द नेग्लेजिबल हीट कैपेसिटी 200 ग्राम आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 100 ग्राम ऑफ स्टीम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड आर एडेड टू 20 ग्राम ऑफ वाटर दैट हैज द टेम्परेचर 55 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, कह रहा है अ कंटेनर ऑफ नेग्लेजिबल हीट कैपेसिटी, ठीक है, 200 ग्राम आइस, इसमें आपने आइस डाला जिसका मास था 200 ग्राम। इसको ना अगले ही पेज पे लिख लेते हैं, यहाँ पे इसमें आपने आइस डाला जिसका मास था 200 ग्राम एंड टेम्परेचर था 0 डिग्री सेंटीग्रेड। एंड 100 ग्राम ऑफ स्टीम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 ग्राम स्टीम इससे मिक्स कर रहा हूँ, 100 ग्राम स्टीम ऑफ 100 डिग्री सेंटीग्रेड, एडेड टू 200 ग्राम ऑफ वाटर दैट हैज द टेम्परेचर 55, 200 ग्राम वाटर, इसमें वाटर भी मिक्स किया गया 200 ग्राम जिसका टेम्परेचर था 55 डिग्री सेंटीग्रेड। एज्यूमिंग लॉस टू द सराउंडिंग एंड द प्रेशर इन द कंटेनर इज कॉन्स्टेंट 1 atm, नो लॉस, नो लॉस, कोई भी हीट लॉस सराउंडिंग को नहीं हो रहा है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm कॉन्स्टेंट, लेटेंट हीट ऑफ द आइस इज 80, आइस की लेटेंट हीट जो दी गई है, लेटेंट हीट ऑफ आइस इज 80 एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज 540, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज 540, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस इज एम ऑफ आइस, नहीं एस ऑफ आइस, एस ऑफ आइस इज 0.5 एंड वाटर इज 1। कह रहा है व्हाट इज द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, इस सिस्टम का फाइनल टेम्परेचर कितना है। देखिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये डेटा तो ऑलरेडी हम लोग को पता है तो इसको मैं यहां से हटा देता हूं। इसके लिए हम लोग रेंज बनाते हैं, रेंज जैसा मैं रेंज बना रहा हूं आपको वैसे बनाना है। और इसका जो थ्योरी का पार्ट है वो मैं वीडियो में अलग से इंसर्ट कर दूंगा, ठीक है, आप उसको देख लीजिएगा कि कैसे उन क्वेश्चनों को अटेम करना है। अगर यहां पर समझ में आ गया तो ओके, नहीं भी समझ में आया, अगर नहीं समझ में आता है तो मैं ऐसे क्वेश्चन को डील करने का एक तरीका होता है जो कि अभी बताऊंगा, अगर वो ना समझ में आए तो कॉन्सेप्ट वाले पार्ट में आपको दिखेगा जो कि वीडियो के लास्ट में देख लीजिएगा। इसके लिए हम बनाते हैं मिनिमम टेम्परेचर कितना है ये देखते हैं, 0, मैक्सिमम टेम्परेचर कितना है 100 है, मिनिमम 0 मैक्सिमम 100 है, मतलब हम 100% से और कि रेंज होगा 0 और 100 के ही बीच में रहेगी। हालांकि ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, इससे भी डिफिकल्ट क्वेश्चन हम लोग कॉन्सेप्ट पार्ट में डील करेंगे। तो हम लोग बनाएंगे ऐसे रेंज 0 to 0 पे आई है तो एक कैसे बनाएंगे 0, फिर 0 to 100 दिखाएंगे इस तरीके से, फिर 100 पे स्टीम है तो कन्वर्जन जहां जहां चेंज होता है ये रेंज बना लिया। अब एक हीट देगा तो दूसरा हीट लेगा,
अच्छा इसमें बीच में 55 भी तो आ गया ना, तो इसको 55 भी बना लो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता। 0 से 55 दिखा दो, फिर 55 से 100 दिखा दो, एंड फिर 100 दिखा दो। एक हीट देगा तो दूसरा हीट लेगा, कौन हीट देगा? 100 वाला हीट देगा सबसे पहले, सबसे पहले स्टीम हीट देगा। कितना एम एल देगा, एम कितना है 100, तो 100 इंटू एल, इसका एल कितना होता है 540, ये 540 होता है। तो एम इंटू एल कर दिया, एम इंटू एल इससे वैल्यू आ गई 54,000 आ गया, ये वैल्यू इतनी आ गई। अब इतना हीट देने के बाद अब ये हीट लेंगे सब, स्टीम 100 है ना, तो वैसे पता है ये 200 ग्राम 100 ग्राम ये 200 ग्राम ये, इसको केजी में लिख दो यार, क्योंकि इतने बड़े बड़े डेटा लिखेगा कौन, नहीं और एनर्जी सारी किलो कैलोरी में आ जाएंगी। तो हो जाएगा 0.2, ये हो जाएगा 0.1 केजी, ये हो जाएगा 0.2। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं 0.1 से, तो 0.1 इंटू 540 तो हो गया 54 किलो कैलोरी एनर्जी इसने दिया। अब ये एनर्जी आइस लेगा, आइस का मास क्या है 0.2, तो आइस है तो 0.2 है, तो इसका कितना होता है कन्वर्जन होगा ना, आइस का कन्वर्जन तो 80 होता है इसका, उसका 540 का 80 मल्टीप्लाई करेंगे ये बन गया 60। लेकिन अभी भी ये 54 ज़्यादा है, जबकि टेम्परेचर इसका 0 है उसका 100 है, तो ये अब और आगे बढ़ेगा, अब और आगे बढ़ेगा और वाटर जो आएगा एक्चुअल में यहाँ पे आएगा, स्टीम यहाँ पे आया हुआ है, आइस की शुरुआत यहाँ से हुई है। तो चलो अब तो 16 आ गया। अब 0 से 55 में चलेंगे, एमएसटी इस पे लगाएंगे, एमएसटी टेम्परेचर चेंज होगा तो एमएसटी, टेम्परेचर कांस्टेंट तो एमएल, एमएसटी एम कितना है 0.2, एम एस कितना है 1, टेम्परेचर चेंज कितना है 55, मल्टीप्लाई करो ये कितना आएगा, तो आएगा 5×10 का 1, 5×10 एक 11, 11 हो गया। अब 16 + 11 इसका सम करेंगे, ये अभी भी इससे कम है, अब हम यहाँ पाएंगे, अब इसमें हीट लेगा, ये वाले पार्ट हीट लेंगे, वो हीट दे रहा है, इसमें आएंगे तो इसमें 55 से 100 तक जाना है, पूरे 100 तक जाने दो पहले, फिर देखा जाएगा। 55 पे आने के बाद एक्चुअल में यहाँ पे 55 आने के बाद ये वाला जो मास 0.2 केजी का है वो 55 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर बन गया, और यहाँ से भी वाटर है 55 डिग्री सेंटीग्रेड का 0.2 केजी, तो ये 0.2 ये 0.2 दोनों यहाँ पे मिल जाएंगे, तो हो जाएगा 0.4। तो एम एस वाटर का एस क्या होता है 1, एम एस डेल्टा टी इसका इसके बीच का टेम्परेचर चेंज वो कितना है 45, 100 माइनस 55 इज 45। अब इसको मल्टीप्लाई करो एक बार, मैं जस्ट चेक करना चाहता हूँ कि कितना आ रहा है, तो 45 × 0.4 ये आ गया 18। अब थोड़ा इनका सम देखो, ये 18 + 11 + 16, ये इन सबको जोड़ने के बाद, इन सबको जोड़ने के बाद टोटल 45 आ रहा है, टोटल 45, लेकिन ये तो 54 है, इसका मतलब कंफर्म हो गया कि ये और आगे जाएगा, ये और आगे जाएगा, मतलब इनको और आगे जाना है, तो किस रेंज में जाएगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर रेंज में चला जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा कि पूरा का पूरा मास बेसिकली वाटर में कन्वर्ट नहीं होगा, आइस का 0.1 केजी ना कन्वर्ट होकर कुछ पार्ट ही कन्वर्ट हुआ होगा, सो दैट कैलोमेट्री का प्रिंसिपल होल्ड कर सके, हीट टेकन और हीट गिवन। तो ये तो मैं समझ गया, चूंकि ये डेटा इससे कम है, कम है ठीक है, दैट मीन्स इसको और आगे जाना था, या इसको पूरा कन्वर्जन नहीं होना है, इसका मतलब फाइनल टेम्परेचर क्या रहेगा 100 ही रहेगा, दैट इज 100, इट्स आंसर इज 100। एक चीज़ मैं और आपसे रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आपको ये बात नहीं समझ में आई, कॉन्सेप्ट वीडियो जरूर देखिएगा। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है, देखो एट द फाइनल टेम्परेचर द मास ऑफ द टोटल वाटर प्रेजेंट इन द सिस्टम,
सिस्टम में टोटल कितना वाटर प्रेजेंट है। तो इसके लिए फिर हम वापस जाते हैं, यहाँ पे मैंने ये कहा कि पूरा पूरा मास कन्वर्ट नहीं हुआ क्योंकि इक्विलिब्रियम को होल्ड करवाना है, इक्विलिब्रियम होल्ड करवाना है तो पूरा पूरा कन्वर्ट नहीं हुआ होगा। तो यहाँ पे हम m लिखेंगे, सिर्फ m लिखेंगे। मान लेंगे कि सिर्फ m ऑफ आइस कन्वर्ट हुआ, तो 540 m आ गया। अब ये कैलोमेट्री के प्रिंसिपल हीट टेकन हीट गिवन बराबर कर देंगे, तो यहाँ से आएगा 16 + 11 + 18 = 540 m। तो ये वैल्यू हो जाएगी, ये तो पूरी वैल्यू आएगी 540 m। अब ये पूरी वैल्यू आएगी 45, तो 45 अपन 540 kg, इतना kg आइस वाटर में कन्वर्ट हुआ, आइस वाटर, इतना मास का कन्वर्जन हो ना वाटर में, तभी तो जाके इतना हीट बाहर निकलेगी और वो हीट सब लेंगे। तो इतना मास किस में कन्वर्ट हुआ, वाटर में। तो कितना वाटर का मास प्रेजेंट होगा, कितना वाटर का मास प्रेजेंट होगा, तो जो वाटर का मास प्रेजेंट होना चाहिए था वो 45 + 540, ये तो कन्वर्ट होके आया, प्लस पहले से और भी कुछ थे ना, देखो पहले से ये वाले तो सारे 0.4 kg का वाटर अभी भी तो अवेलेबल है, ये सब तो वाटर ही हैं क्योंकि फाइनल रिप्रेजेंट 100 तो गया है। तो ये 0.2 kg का और ये 0.2 kg का दोनों मिलके वाटर बने हुए हैं, तो वाटर बने हुए हैं, तो इसमें 0.4 kg और ऐड कर देंगे, इतना kg आ गया। अब इसी को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको ग्राम में आंसर आ जाएगा। तो मैं आपको बताता हूँ इसका आंसर क्या होगा, ये हो जाए हम 45 / 540 + 0.4 483.3 पूरी वैल्यू आती है 483.33 ग्राम, एंड दिस इज योर आंसर। ये है आपका बी पार्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। अमाउंट ऑफ द स्टीम लेफ्ट इन द सिस्टम इज इक्वल टू, कितना स्टीम लेफ्ट है, तो जो स्टीम इसमें लेफ्ट होगा वो कितना था, देखो यही समझ में आ गया भाई, टोटल स्टीम कितना था 0.1 ग्राम स्टीम था, तो स्टीम 0.1 ग्राम था, केजी था 0.1 kg, और इतना कन्वर्ट हुआ है बस, तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो बचा हुआ स्टीम आ जाएगा। तो 0.1 ग्राम था ना, तो 0.1 - 45/540 × 1000, इतना ग्राम आपका क्या रहा होगा, स्टीम बचा होगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 45 / 540 + 0.1, ये आ रहा 66.7। कैलकुलेट करने के बाद रफ वैल्यू आ रही है 16.7 ग्राम। तो इसका आंसर हो गया ये पार्ट। तो आपने देखा कि किस तरीके से मैंने कैलोमेट्री प्रिंसिपल का यूज किया। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे देखें, वो है ये क्वेश्चन नंबर 10। ये PYQ का क्वेश्चन है, ठीक है, और ये एक बहुत ही स्टैंडर्ड और अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, वीडियो पॉज करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिए। ओके तो इस क्वेश्चन को मैं रखूंगा ...65% के लेवल पे, बिकॉज ऑफ क्वेश्चन को समझने में टाइम लग जाता है। तो इसके लिए मैंने क्या किया, क्वेश्चन पढ़ लिया होगा आपने, सॉल्व कर भी लिया होगा। इसमें देखो क्या कर रहा है, ये पानी है, पानी का जो मास है 120 लीटर है। ओके 120 लीटर एक लीटर में कितना केजी होता है, तो एक लीटर में 1 kg होता है, तो इसमें 1 लीटर 120 kg वाटर है। इसका जो टेम्परेचर है 10 डिग्री सेंटीग्रेड है,
कह रहा है ये जो डिवाइस है इसका जो मैक्स टेम्परेचर है वो कितना हो सकता है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड हो सकता है। और ये जो डिवाइस है अपने पार्ट को किस रेट से हीट दे रहा है, अपने पार्ट को, वो लिखा गया 3 किलोवाट, 3 किलोवाट, देखो लिख रहा है ना, दैट जनरेट कॉन्स्टेंट 3 किलोवाट। ये जो डिवाइस है वो 3 किलोवाट एनर्जी दे रहा है, मतलब 1 सेकंड में 3 किलो जूल एनर्जी दे रहा है। कह रहा है कि वाटर कूलर स्टोरेज कैपेसिटी 120 लीटर कैन कूल वाटर एट कॉन्स्टेंट रेट पी। ये जो वाटर है ना इस वाटर को कॉन्स्टेंट रेट पी वाट से कूल कर रहा है ये कूलर, मतलब इसमें से पर सेकेंड कितना एनर्जी बाहर निकाल रहा है, पी वाट, पी वाट पर सेकेंड एनर्जी बाहर निकाल रहा है। द वाटर फ्रॉम द कूलर इज यूज टू कूल एक्सटर्नल डिवाइस दैट जनरेट कॉन्सेंट्रेट रेट इतना ऑफ द हीट। द टेम्परेचर ऑफ वाटर इज फेड इन टू द डिवाइस इज 30 डिग्री सेंटीग्रेड, कैन नॉट एक्सीड, 30 से ज्यादा नहीं हो सकता। द टेम्परेचर ऑफ द वाटर फेड इन टू द डिवाइस कैन नॉट एक्सीड दिस वन, एंड द एंटायर स्टोर 120 लीटर ऑफ द वाटर इज इनिशियली कूल टू द 10 डिग्री सेंटीग्रेड, इनिशियली 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और फाइनली मैक्सिमम 30 तक जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं जा सकता। द एंटायर सिस्टम इज थर्मली इंसुलेटेड, द मिनिमम वैल्यू ऑफ पी फॉर विच द डिवाइस कैन ऑपरेट फॉर 3 आवर्स, 3 घंटे तक ये डिवाइस ऑपरेट कर सके। तो देखो क्या करते हैं, सबसे पहले पता करते हैं कि डिवाइस जो है ये 3 घंटे में कितना एनर्जी अपने पार्ट को देगा। तो 3 घंटे में वो जो एनर्जी देगा अपने पार्ट को वो होगा 3 किलोवाट इंटू 3 आवर्स। 3 आवर्स में 60 × 60 इतना आएगा। अभी बड़ा वैल्यू मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ, एक काम करते हैं ये वैल्यू एक बार निकाल लो। थ्री इंटू थ्री इंटू सिक्स इंटू सिक्स, 3 × 3 6 × 6 ये आ रहा है 324। 324 इंटू 10 to the power 3 4 1 5 कितना, ये तो एनर्जी इतनी आ गई। अच्छा ये जो वाटर है ये वाटर मैक्सिमम कितना एनर्जी ले सकता है भाई, जो डिवाइस एनर्जी देगा वो कहाँ जाएगा, ये डिवाइस एनर्जी देगा वो वाटर के पास जाएगा, और दूसरा ये जो कूलर है कुछ एनर्जी कूलर भी ले लेगा। तो वाटर ने कितना एनर्जी लिया, वो मान लो क्यू टू है, वो क्या होगा एम एस टी, एम कितना 120, एम एस, एस होता है इसका ये 4.2 किलो है ना, 4.2 किलो किलो जूल पर केजी, 120 केजी है, एक लीटर में 1 केजी होता है, तो 120 केजी एम एस टेम्परेचर चेंज। 10 से मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, 30 तक, तो 20 का डिफरेंस। अब ये निकालते हैं, ये जो आएगा आपका ये 5 है ना, तो 3 1 4 1 5 दैट मीन्स 12 × 4.2 × 2 करना है, यार 100.8 आ रहा है। तो ये वैल्यू आ गई 100.8 × 10^5 आ गया। इसका मतलब ये जो डिवाइस हीट डेवलप कर रहा है उस डिवाइस से ये जो वाटर है वो मैक्सिमम इतना ही हीट ले सकता है, क्योंकि टेम्परेचर 30 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उससे ज़्यादा हीट लेगा तो टेम्परेचर 30 ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब कि अगर वाटर ने इतना हीट ले लिया तो बाकी हीट को इस कूलर को लेना ही पड़ेगा, तभी जाके ये डिवाइस ऑपरेट हो सकता है 3 घंटे तक, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। तो इस कूलर को कितना हीट बाहर निकालना पड़ेगा 3 घंटे में, तो इसका इसका डिफरेंस होगा, तो 324 में से 100.8 घटा दो तो हो जाएगा करीब, सबट्रैक्ट करो तो 100 लगभग मान लो इसको, ये 324, 324 में से 100 घटाओगे लगभग आएगा ये 224, लगभग आएगा 224, लगभग 0.8 को, या 1 मान लो, लगभग आंसर निकालना चाहता हूँ ये 221 मान लो, लगभग 221 × 10^5 बचेगा, ये 101 मान लिया इसमें से घटा दिया, नहीं 23 बचेगा ना, अगर इसको 1 मानोगे 4 में से 1 गया 3, ओके ये बनेगा। और ये इतना हीट इस कूलर को लेना पड़ेगा वाटर से, किस रेट से, पी है इंटू कितने घंटे, 3 घंटे, 3 घंटे का मतलब 3 × 60 × 60
तो यहां से जो पी की वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी आपकी, देखिए 323 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 6 डिवाइडेड बाई 6, ये आ रहा करीब 2067। ये वैल्यू आ रही लगभग 2067। तो इतना वॉट या इतना जूल पर सेकेंड एनर्जी अगर मिनिमम इस कूलर निकालता है इस पानी से, तो ये डिवाइस प्रॉपरली ऑपरेट हो पाएगी। ठीक है, कम से कम इतना निकालना पड़ेगा, इससे ज़्यादा निकालेगा तब और अच्छी बात है, क्योंकि तब वाटर का मैक्सिमम टेम्परेचर 30 नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, मतलब इतना तो कम से कम चाहिए, समझ सकते हो ना, इतना तो कम से कम चाहिए। दैट्स आंसर इज बी पार्ट। तो उन्होंने पूछा था मिनिमम कितना चाहिए, आंसर इज बी पार्ट। इससे अगर ज़्यादा हीट निकालता है तो और अच्छी बात है। 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। 11 देखो, क्वेश्चन नंबर 11 जो है ये भी 60% के लेवल का क्वेश्चन है। आपको वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। कह रहा है द टू रॉड ऑफ डिफरेंट मेटल हैविंग द सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए। आप वीडियो पॉज करिए, सॉल्व करिए। ओके, तो टू रॉड ऑफ डिफरेंट मेटल हैविंग द सेम क्रॉस सेक्शन एरिया ए, प्लेस एंड टू एंड बिटवीन द टू मासिव प्लेटफॉर्म एज शोन इन द फिगर। द फर्स्ट रॉड हैड द लेंथ L1 एंड सेकेंड लेंथ L1 अल्फा 1 यंग मॉडुलस Y1। द करस्पॉन्डिंग क्वांटिटीज फॉर द सेकेंड इज करस्पॉन्डिंग क्वांटिटी फॉर सेकेंड इज L2 अल्फा 2 गामा 2। ओके ठीक है, इसका अल्फा 2 है, इसका गामा 2। द टेम्परेचर ऑफ द बोथ द रॉड इज नाउ इंक्रीजेस बाई डेल्टा टी, इतने डिग्री सेंटीग्रेड तक आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया। फाइंड द फोर्स विद द रॉड एक्ट ऑन द ईच अदर, ये इस पर कितना फोर्स लगा रहा होगा एट द हायर टेम्परेचर्स इन टर्म्स ऑफ गिवन क्वांटिटीज। फाइंड द फोर्स, फाइंड द लेंथ ऑफ द रॉड एट द हायर टेम्परेचर्स, दोनों रॉड का लेंथ कितना होगा। Assuming that there is no change for the cross section area of the rod and that of the rod is not bent, there is no deformation of the wall. Okay. तो हमें क्या क्या निकालना है कि एक तो फोर्स निकालना है, दूसरा क्या निकालना है, फाइंड द लेंथ निकालने हैं। ये इस पर कितना फोर्स लगाएगा ये निकालना है, और दूसरा ये निकालना है मुझे कि इसका लेंथ कितना हो जाएगा, इसका लेंथ कितना होगा। अच्छा, ये भी एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, एक तो मैं यहाँ पर समझाऊंगा, उसके बाद अगर मेरे पास लेक्चर होगा तो मैं उसको अंतिम में लगा दूंगा, आप उसको भी देख सकते हैं। इसमें क्या है कि सबसे पहले क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि ये क्रॉस सेक्शन नहीं है, इसको फ्रीली एक्सपेंड होने देते हैं। तो जब ये रॉड फ्रीली एक्सपेंड होगा तो ये कितना बड़ा हो जाएगा, ऐसे दिखाते हैं, ऐसे फ्रीली एक्सपेंड कराते हैं, ये फ्रीली एक्सपेंड कराता है। तो ये L1 लेंथ का है, तो हो जाएगा L1 ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, इतना बड़ा लेंथ हो गया एक्सटेंड होके। ये अगर नहीं होता तो ये फ्रीली ऐसे एक्सपेंड करता, सिमिलरली ये भी फ्रीली ऐसे एक्सपेंड करता, तो ये हो जाता इस तरीके से। और ये पूरा ये जो लेंथ आता दैट इज L2 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी, ये बन जाता। अब देखो क्या करेंगे, अब क्या होगा कि ये वाला पार्ट इसको प्रेस करेगा, ये वाला पार्ट इसको प्रेस करेगा, तो बीच में कहीं इक्विलिब्रियम पोजीशन आएगा ऐसा। ये लेंथ मान लो x को प्रेस किया, मतलब ये वाला एंड x डिस्टेंस इधर आ गया, और अगर ये x इधर आया तो ये इधर कंप्रेस होकर यहां पे आ गया, यहां पे आ गया,
मतलब इनिशियली पता क्या था इसमें? इसमें वन सेकेंड, इसमें एक चेंज करता हूँ, सुनना ठीक है, करेंगे वैसे ही। इसमें ना ये इसी तरीके से था, पहले था यहाँ पे, पहले दोनों रॉड थे यहाँ पे, ये लेंथ था L1 यहाँ से यहाँ तक, फ्रीली एक्सपेंड किया, फ्रीली मतलब वो रॉड नहीं होता तो ये इलोंगेशन आता है इसका L1 α1 Δt, और ये वाला रॉड था इसी लेंथ पे यहाँ पे था, यूजर का रॉड यहाँ तक था ऐसे, तो उसको मैं नीचे दिखा दे रहा हूँ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, मैं नीचे दिखा दिया, ये फ्रीली एक्सपेंड करेगा, फ्रीली एक्सपेंड करके सपोज करो यहाँ पर आ गया, और ये जो आएगा L2 α2 Δt बनेगा, और ये लेंथ तो L2 है। अब क्या होगा कि चूंकि ये रॉड यहां तक एक्सपेंड हुआ और ये रॉड यहां इतना एक्सपेंड हुआ, लेकिन ये दोनों आमने सामने थे, ये और ये दोनों आमने सामने थे, तो ये इसको ऐसे प्रेस करेगा और ये इसको ऐसे प्रेस करेगा, ऐसे प्रेस करेगा, तो हो सकता है कहीं पे एक ऐसा आएगा जहां पे दोनों एक साथ मिलेंगे, वो कहीं इधर मिला ऐसे, इधर कहीं मिला, ये मिले ऐसे, ये MP है जहां पे मिले, तो ये एक्स डिस्टेंस इधर मूव कर गया, और ये जो है यहां से यहां तक मूव किया, यहां से यहां तक मूव किया, तो फिर फाइनली कैसा होगा, ये रॉड ऐसे ही रह गया और ये रॉड यहां पे ऐसे रह गया, तो ये फाइनल पोजीशन है, मतलब तो फाइनल कह सकते हो, इसको तुम कह सकते हो फाइनल पोजीशन FP, ये फाइनल पोजीशन जहां दोनों मिले, बात समझ रहे हो ना? ओके ठीक है, तो पूछा है क्या, फाइंड द फोर्स, फोर्स बताइए इसने इस पे कितना फोर्स लगाया, तो लगाएंगे स्ट्रेस अपान स्ट्रेन इक्वल्स टू यंग मॉडुलस के सहायता से फोर्स निकले, तो इस रॉड ने इस पे जो फोर्स लगाया होगा F, इसने भी इस रॉड पे उतना ही फोर्स F लगाया होगा, ये फोर्स तो एकदम सेम होगा, स्ट्रेस क्या आएगा, एफ अपान एरिया स्ट्रेस अपान स्ट्रेन, इस वाले में कितना स्ट्रेन हुआ, देखो ये एक्स लेंथ कितना स्ट्रेन हुआ, इस वाले में कितना स्ट्रेन, ये पूरा लेंथ था इतना और कंप्रेस हो गया इतना, एक्स के बराबर कंप्रेस हुआ ना, तो स्ट्रेन इतना हुआ, इतना स्ट्रेन, तो हम क्या लिखेंगे, स्ट्रेन को लिखेंगे एक्स अपान कितना नेचुरल लेंथ है, एक्स अपान कितना, अच्छा नेचुरल लेंथ तुम L1 लिखो तो चाहे L1+ ये दोनों ऐड करो तो बात एक ही है, क्योंकि ये टर्म्स इस L1 से बहुत ही छोटा होता है, इस टर्म इससे बहुत छोटा होता है, तो उसको निगलेक्ट कर सकते हो, तो कंप्रेशन हुआ एक्स का डिवाइड बाई स्ट्रेन के लिए L1 लिख लो, स्ट्रेस अपान स्ट्रेन इक्वल्स टू यंग मॉडुलस Y1, इसका यहां से F की वैल्यू आ गई, ये इधर भेजेंगे तो y1a x अपान L1 बन गया, यही काम हम इस रॉड पे करेंगे, इस रॉड पे जब लगाओगे स्ट्रेस अपान स्ट्रेन इस वाले पे, तो F तो वही है, स्ट्रेन कितना आएगा, अच्छा ये रॉड यहां से यहां पे आया ना, क्योंकि फाइनल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है, तो ये वाला एंड यहां से यहां तक आया, तो ये लेंथ कितना होगा, ये है L2 α2 Δt, और ये क्या है, ये पूरा लेंथ आपको निकालना पड़ेगा ना, तो इस ये ऐड करेंगे इस वाले में, तो इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी आएगा, तो हो जाएगा आपका ये पूरा लेंथ यहां से यहां तक, ये बनेगा L2 α2 Δt प्लस ये पूरे में से एक्स घटा दो, तो L1 α1 Δt माइनस एक्स अपान स्ट्रेन यहां तक तो आया कंप्रेशन अपान नेचुरल लेंथ, इस पूरे रॉड का नेचुरल लेंथ आप L2 लिखो लिखो तो चाहे L2+ ये लिखो तो बात है, क्योंकि ये बहुत ही कम है, L2 से डिवाइड कर दो,
इज इक्वल्स टू यंग मॉडुलस वाई टू, यहाँ से एफ की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से जो एफ की वैल्यू आएगी वो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये आएगा वाई टू ए, वाई टू ए इंटू वाई टू ए इंटू ये पूरा टर्म, ये जो पूरा टर्म है अगेन इस वाई टू मल्टीप्लाई होगा और नीचे एल टू आ जाएगा, नीचे एल टू आ जाएगा और ये टर्म मल्टीप्लाई होगा, तो एल टू अल्फा टू डेल्टा टी प्लस एल वन अल्फा वन डेल्टा टी माइनस एक्स। अब ये फोर्स आपस में बराबर है क्योंकि एक्सेलरेशन पेयर है, दोनों को बराबर कर दो तो बनेगा वाई वन ए, अच्छा ए हटा ही दो, रीजन ये है देखो कैसे, जब इसको इसको इक्वेट करोगे तो ए से ए तो कट जाएगा तो वाई वन एक्स बचेगा, तो वाई वन एक्स डिवाइड बाई एल वन इज इक्वल टू वाई टू अपान एल टू इंटू ये टर्म्स, यह रहा है एल टू अल्फा टू डेल्टा टी प्लस एल वन अल्फा वन डेल्टा टी माइनस एक्स, ये बन गया, ये एल वन है। अब यहां से मुझे एक्स की वैल्यू मिलेगी, एक्स की वैल्यू कितनी मिलेगी, तो मैंने इसको इधर भेज के इसको इधर भेज दिया, तो यहां से एक्स की वैल्यू आएगी, की वैल्यू एक काम करो इसको पूरी मल्टीप्लाई कर लो, देखते हैं ना, ये बनेगा वाई वन एल टू एक्स, इसको इधर भेजो तो बनेगा एल वन वाई टू एल टू अल्फा टू डेल्टा टी प्लस एल वन अल्फा वन डेल्टा टी, एल वन अल्फा वन ये अल्फा ये डेल्टा टी है, माइनस एक्स बचेगा, अब मुझे एक्स यहां से चाहिए तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी आपकी ये एल वन वाई टू डेल्टा टी को बाहर निकाल लो तो बनेगा एल टू अल्फा टू प्लस एल वन अल्फा वन एंड होल डिवाइडेड बाई, जब इसको इधर भेजेंगे ना तो आएगा वाई वन एल टू प्लस एल वन वाई टू, ये बन गया। एक्चुअली में यही बेसिक अप्रोच है, बेसिक मेथड यही है। अब टेम्परेचर का इंक्रीज उन्होंने क्या दिया हुआ, टी डिग्री सेंटीग्रेड, वही डेल्टा टी हमारा है टी, जो टी नॉट दिखा रहा है टी डिग्री सेंटीग्रेड, बेसिकली हम डेल्टा टी उसको लिखा है, उसको हमने डेल्टा टी लिखा है। तो जो फोर्स आएगा वाई वन ए एक्स अपान एल वन, वाई वन ए फोर्स जो होगा वो होगा वाई वन ए एक्स अपान एल वन, और एक्स ये है उठा कर रख दो इसमें, तो यहाँ से ये जब रखोगे ना तो L1 से L1 कट जाएगा, तो ये बन जाएगा कितना Y1 A आएगा और L1 कटेगा तो बच गया इतना, दैट इज Y2 टू डेल्टा टी इज नथिंग बट टी, ये है L2 अल्फा 2 प्लस L1 अल्फा 1 एंड होल डिवाइड बाय Y1 L2 प्लस L1 Y2 एंड दिस इज योर्स आंसर्स। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो आई थिंक आपको बात ये समझ में आई हुई कि मैंने कैसे क्वेश्चन को डील किया। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये है, ठीक है। इसके बाद उसने ये पूछा था कि बाकी जो रॉड है ना उनका लेंथ बताइए, मतलब इस रॉड का लेंथ कितना हो गया, पता इस रॉड का जो लेंथ हुआ कितना हुआ, ये पूरा L1 है और X आया था ना तो बस इतना बड़ा लेंथ बचा, इसका मतलब इसका पहले रॉड का लेंथ होना चाहिए L1 प्लस दिस लेंथ माइनस X, इतना बड़ा होना चाहिए, इतना बड़ा, तो L1 प्लस L1 अल्फा वन डेल्टा टी माइनस एक्स, ये होना चाहिए। तो हम लिखेंगे जो पहले लेंथ, पहले रॉड का लेंथ है L1 डैश, वो होना चाहिए L1 प्लस L1 अल्फा वन डेल्टा टी, मतलब टी माइनस एक्स, एक्स ये है तो आएगा L1 Y2 इंटू टी डेल्टा टी, टी है और ये बनेगा क्या L2 अल्फा 2 प्लस L1 अल्फा 1 डिवाइडेड बाय Y1 L2 Y1 L2 प्लस L1 Y2, ये आएगा।
अब ये इसका आंसर है, तो एक काम करते हैं इसमें से हम कुछ कैलकुलेट कर ही लेते हैं। ये आएगा L1 प्लस ये जो आएगा ये हो जाना चाहिए, इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, L1T कॉमन आ रहा है, देखो L1T कॉमन आ रहा है, तो L1T कॉमन आ गया, बच गया α1 इसके साथ, तो α1 y1 L2 और α1 इसके साथ, तो α1 L1 y2, और यहाँ से L1T कॉमन निकल रहा है, y2 बच गया, तो बच गया माइनस y2 L2 α2 माइनस, फिर ये y2 बचा, तो y2 L1 α1 एंड होल डिवाइडेड बाई y1 L2 प्लस L1 y2। अब इसमें कुछ कटेगा देखो, तो इसमें से कट रहा है ये y2, अच्छा y2 α1, कोई टर्म्स इसमें कैंसल आउट नहीं हो रहा, कट गया ये वाला टर्म्स, कट गया देखो, दी वैल्यू होगी L1 प्लस, सुनना अब इसमें α1 L2, इसमें भी L2 कॉमन है, तो L2 बाहर आएगा, तो बनेगा L1 L2 T, और ये L2 बाहर आ गया, तो ये क्या बन गया α1 y1 बन गया, यहाँ से क्या आएगा माइनस α2 y2, α2 y2 डिवाइडेड बाई y1 L2 प्लस L1 y2। ये है पहले लेंथ का, पहले रॉड का लेंथ, सेकेंड रॉड का जो लेंथ बनेगा वो क्या होगा, देखो जो टोटल लेंथ है दोनों वॉल के बीच का वो तो अनचेंज है, L1 प्लस L2 है, तो L1 प्लस L2 में से इसको सबट्रैक्ट कर देना, L1 प्लस L2 में से इसको सबट्रैक्ट कर दो, इसको सबट्रैक्ट करोगे तो L1 माइनस के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर बचेगा L2 माइनस का टर्म ही आ जाएगा, तो L1 L2 कैपिटल T, और ये माइनस साइन यहाँ पर आके इसको प्लस बना देगा, तो ये हो जाएगा कितना ब्रैकेट में α2, एक ही चीज़ है यार, समझ गए मैंने क्या किया था, बेसिकली L2 प्लस L1 टोटल लेंथ है दोनों वॉल के बीच का, उसमें से L1 डैश सबट्रैक्ट कर दो, क्योंकि बीच का लेंथ तो कॉन्स्टेंट है, क्योंकि वॉल का डिफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है, तो ये L2 डैश का जो आंसर आएगा ये हो जाएगा, L1 कैंसिल आउट होगा रखेंगे तो बनेगा L2 माइनस ये टर्म, L1 L2 कैपिटल T, α1 y1, α2 y2 एंड होल डिवाइडेड बाई y1 L2 प्लस L1 y2, एंड दिस इज आंसर ऑफ सेकेंड लेंथ ऑफ रॉड। इस तरीके से मैंने आपको क्वेश्चन को सॉल्व किया। नाउ तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, ये है इसका जो लेवल है ये भी मैं 65% के लेवल पर रखूंगा, आपको वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो देखिए ओके तो इस क्वेश्चन को देखिए, आपने क्वेश्चन को देख लिया होगा और सॉल्व भी कर लिया होगा, बताता हूँ। द ऑपरेटर शोन इन द फिगर द फोर ग्लास कॉलम, ये वर्टिकल कॉलम है, 1 2 3 4 हॉरिजॉन्टल सेक्शंस, दो हॉरिजॉन्टल सेक्शन से जोड़ दिया गया, एक ये एक ये और एक ये, ए एंड डी ओपन टू द एटमॉस्फियर, बी और कॉलम बी और सी का लेंथ 49 सेंटीमीटर है, ये जो लेंथ है 49 सेंटीमीटर है, ये भी लेंथ 49 है, द टू आउटर आर्म ए बी ओपन टू द एटमॉस्फियर, ए सी मेंटेन अ टेम्परेचर ऑफ 95, करें इसके हर पॉइंट का टेम्परेचर 95 है यहां से लेके यहां तक, सिमिलरली इसके भी हर पॉइंट का टेम्परेचर 5 डिग्री सेंटीग्रेड है, ए एंड सी आर मेंटेन एट अ टेम्परेचर्स, ए देखो ये ए है ये सी है, इसके हर पॉइंट का 95 है, इसके हर पॉइंट का 95 है, इसके हर पॉइंट का 5 है, इसके हर पॉइंट का 5 है, ये क्वेश्चन में मेंशन है मुझे ऑलरेडी पता है, ठीक है, इसके हर पॉइंट का 95 है, इसके हर पॉइंट का टेम्परेचर 5 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसके हर पॉइंट का 95 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसके हर पॉइंट का 5 डिग्री सेंटीग्रेड है, बट ये लेंथ 49 सेंटीमीटर के बराबर है, ये भी 49 सेंटीमीटर के बराबर है, और ये 52.8 सेंटीमीटर कौन सा, देखो तो द लिक्विड ए
ए का लेंथ 52.8 है, ये जो लेंथ है 52.8 सेंटीमीटर है, जबकि इसका लेंथ 51 सेंटीमीटर है। कह रहा कि दोनों ही एटमॉस्फेयर में ओपन है, तो इस थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड, कोफिशेंट ऑफ थर्मल, डिटरमाइन द कोफिशेंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड, इस लिक्विड का थर्मल एक्सपेंशन कोफिशेंट बताइए, मतलब गामा की वैल्यू पूछ रहा है, गामा की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो फ्लूइड मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट है इसमें, यहां का प्रेशर पी नॉट है, मान लिया पी नॉट, तो पी नॉट लिखा। अब यहां से जब नीचे आएंगे तो प्रेशर इंक्रीज करेगा यहां तक, तो एच रो जी, एच की जगह पे 52.8, तो एच की जगह पे 52.8 इंटू 10^-2, तो एच रो इस लिक्विड की डेंसिटी। अच्छा, रो के जगह पे मैं लिख सकता हूँ कौन सा लिक्विड, लिक्विड का तो डेंसिटी का टर्म दिया नहीं है, मान लो इनिशियल डेंसिटी रो नॉट है, तो रो नॉट अपॉन 1+γ(t) लिख लो, 0 डिग्री सेंटीग्रेड का टर्म, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे मान लो डेंसिटी रो नॉट है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड का रो नॉट है, तो मैं इसको लिखूंगा रो नॉट अपॉन 1+γ, टेम्परेचर यहाँ का 95 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो 95 कर लिया। आगे एच रो इंटू जी आ गया यहाँ का प्रेशर, यहाँ से यहाँ तक प्रेशर हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगा, रीजन हॉरिजॉन्टल लेवल पे ना, हॉरिजॉन्टल लेवल पे जी इफेक्टिव, जी परपेंडिकुलर है, तो प्रेशर हर जगह सेम रहेगा, फिर ऊपर प्रेशर घटेगा, यहाँ पे प्रेशर घटेगा कितना, एच रो जी, एच जगह पे क्या रखेंगे 49, तो 49 इंटू 10^-2, एच रो की जगह पे रो नॉट डिवाइड बाई 1+γ इंटू टेम्परेचर यहाँ का 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड है ना, तो इसको मैंने लिख लिया 5, तो रो नॉट अपॉन 1+γ(t), तो एच रो इंटू जी आ गया यहाँ का प्रेशर, यहाँ से यहाँ तक कॉन्स्टेंट रहेगा, यहाँ इंक्रीज करेगा, तो फिर क्या आएगा, एच की जगह पे अगेन 49 हाइट है, तो 49 एच रो की जगह पे अगेन रो नॉट अपॉन 1+γ इंटू टेम्परेचर चेंज, 95 डिग्री सेंटीग्रेड है 0 से 95, तो H रो इंटू जी आ गया यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक सेम रहेगा, फिर प्रेशर डिक्रीज करेगा, तो माइनस H की जगह पे 51 सेंटीमीटर है, रो की जगह पे रो नॉट डिवाइड बाई 1+γ, यहाँ का प्रेशर 5 है ना, तो 5 इंटू जी आ गया एटमॉस्फियर पे, दैट इज पी नॉट, अभी पी नॉट से पी नॉट कट जाएगा, यही नहीं 10^-2 भी रो नॉट ई जी, ये सब कैंसल आउट होते नजर आ रहे हैं, देखो ये सब कैंसल आउट होते नजर आ रहा है, तो ये इक्वेशन बन गया 52.8 डिवाइड बाई 1+95γ माइनस 49 डिवाइड बाई 1+5γ गामा प्लस 49 डिवाइड बाई 1+95γ माइनस 51 डिवाइड बाई 1+5γ इज जीरो। अब इसको आपको कैलकुलेट करना होगा, जैसे कैलकुलेट करोगे फाइंड आउट करो गामा की वैल्यू, तो गामा की वैल्यू यहां पे आती है सॉल्व करने के बाद, गामा की वैल्यू आती है, मैं आपको बताता हूं, टू इंटू 10^-4 पर डिग्री सेंटीग्रेड, इसका आंसर था। तो अच्छा, इसमें मैं रेफरेंस की तरह से डेल्टा टी को मैंने 95 मान लिया, जब कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं था, इसलिए मैंने इनिशियल टेम्परेचर को 0 डिग्री सेंटीग्रेड मान के क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आईटीजीआई का 97 का क्वेश्चन है, एडवांस PYQ, ठीक है। इसके बाद हम और इसमें 55% के लेवल पे था, क्वेश्चन कह रहा है कि अ रेजिस्टर हैज इनिशियल रेजिस्टेंस आर नॉट एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, नाउ इट कनेक्टेड टू द आइडियल बैटरी ऑफ कॉन्स्टेंट EMF भी, ओके, मतलब एक रेजिस्टेंस है, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो देखा जाएगा। अब मैं तुम्हें सही बताता हूँ, इतना टाइम में तुम जान गए होगे मुझे कि
प्रॉब्लम जब मेरे सामने होता है ना, तो मैं इस सोच के चलता हूँ कि सॉल्व हो जाएगा, ये श्योर नहीं, श्योरिटी नहीं है कि मैं भी सॉल्व कर पाऊंगा। और सही बता रहा हूँ, कोई टीचर किसी भी लेवल का हो, ठीक है, श्योरिटी हमेशा मुश्किल होता है। अरे कोई भी यार, मतलब कोई भी, जो मैं बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ। तो अगर क्वेश्चन मुझसे फंस भी जाते हैं तो इट नॉट मीन्स कि हम, मुझे नहीं आता। वही मैं तुमसे कहता हूँ कि तुमसे क्वेश्चन फंस जाए तो फंस, क्या फर्क पड़ता है यार, ठीक है। हर क्वेश्चन करने के लिए नहीं होते एग्जाम में, तुम भी ना सोचा करो। जब तुम ये सीख जाओगे ना, देखो आईआईटियन बनना है तो उनके पास दो चीजें होती हैं। पहला, सिर्फ दिमाग से आईआईटियन नहीं बना जाता है, कुछ चीजें कॉमन सेंस वाली होती हैं। हमें डिफिकल्ट क्वेश्चंस छोड़ने हैं, आईआईटियन बनना है ना, मुझे 1000 रैंक चाहिए ना, कि 1000 रैंक चाहिए। आईआईटी एडवांस के अंदर जितने क्वेश्चन 80% के ऊपर होते हैं सबको ड्रॉप आउट करो, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। अगर तुम उनके चक्कर में पड़ गए ना, 80, 90 और 100 के चक्कर में, तो तुम आईआईटी नहीं बन पाओगे। अगर 1000 के अंदर तुम्हें रैंक लानी है तो देखो क्या तरीका है, क्या छोड़ना है पहले तुम्हें ये सीखना है, क्या करना है ये सीखना है। तो तुम्हें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ अगर 1000 के अंदर रैंक चाहिए तो 70% 75% तक जाओ, नॉट मोर देन दैट। और ये रियल एग्जाम में भी करना, तो रियल एग्जाम में भी करना, तुम्हें मास्टर बनना होगा ना, एग्जाम बाद बन लेना। रजिस्टर है इनिशियल रेजिस्टेंस आर नॉट एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, नाउ कनेक्टेड टू द आइडियल बैटरी ऑफ ईएमएफ बी, द टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ द रेजिस्टेंस इज अल्फा एंड आफ्टर हाउ मच टाइम विल इट्स टेम्परेचर बी टी नॉट, मतलब कितने टाइम बाद इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से इंक्रीज करके 30 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। मास ऑफ द वायर इज स्मॉल एम, वायर का मास स्मॉल एम है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वायर इज कैपिटल एफ, ओके। अज्यूमिंग द रेजिस्टेंस वैरीज लिनियरली विद द टेम्परेचर कोफिशिएंट, ओके। रेजिस्टेंस वैरीज अकॉर्डिंग टू लिनियर, ओके। ऑल्सो नेग्लेक्ट द हीट लॉस टू द सराउंडिंग, ओके। क्या करेंगे, सबसे पहला काम है कि किसी टाइम पे मान लेंगे इसका रेजिस्टेंस आर है। अब ये बैटरी हीट डेवलप, बैटरी से इस रजिस्टर में जाएगा करंट, तो रजिस्टर में हीट डेवलप होगा, इससे करंट मान लो फ्लो कर रहा है आई, ये भी है। तो इसमें जो रेट ऑफ हीट डेवलप होना चाहिए, रेट ऑफ हीट डेवलप होना चाहिए, रेट ऑफ हीट डेवलप डी एच अपॉन डी टी, वो किसके बराबर होगा, तो वी स्क्वायर बाई आर के बराबर होगा, वी स्क्वायर बाई आर के बराबर होगा। अच्छा, ये जो हीट डेवलप हो रहा है इसके अंदर, वो कहाँ कहाँ जाएगा, वो एक वो कहाँ कहाँ जाएगा, सराउंडिंग में। देखो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द वायर इज कैपिटल एस एंड नो लॉस ऑफ हीट टू द सराउंडिंग, सराउंडिंग लॉस नहीं हो रहा, इसका मतलब कि ये जो हीट दे रहा है उसी हीट से इस रजिस्टर का टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो डी टी टाइम में ये बैटरी कितना हीट देगा, दैट इज डी एच, डी एच एस, इसको इधर भेज दीजिए, तो वी स्क्वायर बाई आर। अच्छा, आर किसी टाइम पे टेम्परेचर रजिस्टेंस आर को आप लिख सकते हो, डी आर लीनियरली वेरी कर रहा है, देखो एज्यूमिंग द रजिस्टेंस वेरी लीनियरली विद द टेम्परेचर्स, लिनियरली विद द टेम्परेचर्स। तो जो तुम लिखते हो ना, आर इज इक्वल टू आर नॉट वन प्लस अल्फा डेल्टा टी, डेल्टा टी क्या, इस टाइम का टेम्परेचर मान लो टी है, टेम्परेचर टी है, इनिशियल टेम्परेचर जीरो था, जीरो था, तो डेल्टा टी क्या होगा, सिंपल टी बनेगा। भाई देखो ये लिनियरली तो वेरी कर रहा है, यस आर कैपिटल टी क्या लिनियर प्रोपोर्शनल है। अब इस आर को उठा के आप यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पे, तो यहाँ पर रखेंगे तो हो जाएगा आर नॉट ब्रैकेट में वन प्लस अल्फा टी, ये बन जाएगा, और डी एच बाई डी टी है। अच्छा, डी टी को इधर भेज दो, ये बन गया था, समझ गए होगे। इस आर की जगह पे मैंने इसको उठा के रख दिया और इस डी टी को इधर भेज दिया, अब आ गया इतना। अच्छा, ये डी एच क्या बता रहा है, ये डी एच बता रहा है कि इस रजिस्टर में किस रेट से हीट डेवलप हो रहा है, लेकिन उस हीट को लेके उस रजिस्टर का टेम्परेचर बढ़ जा रहा है, सराउंडिंग हीट नहीं जा रहा, तो रजिस्टर ही हीट कंज्यूम कर रहा है, हीट कंज्यूम कर रहा है। तो एक फॉर्मूला और भी लगा सकते हो, आपको पता है कि डी क्यू इक्वल टू क्या होता है, एम एस डी टी, रजिस्टर का मास एम है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एस है, तो डी टी टेम्परेचर रेज करने में इतना हीट उलेगा, और हीट कहाँ से मिलेगा, ये जो डी एच है ना वही हीट ये रजिस्टर को लेना, इस रजिस्टर को लेना। तो ये जो डी एच है उसकी जगह आप इसको रख देंगे, डाउट होगा तो रोक सकते हो, एम एस डी टी, लेकिन आपको पता है कि मास कभी बदलता नहीं है, तो वही रहेगा, बाकी को आप इधर भेज दीजिए, तो हो जाएगा वी का स्क्वायर आर नॉट, डी टी को ऐसे ही रहने दीजिए, वी स्क्वायर अपन आर नॉट, डी टी को ऐसे ही,
ये बनेगा एम एस वन प्लस अल्फा कैपिटल टी इंटू डी कैपिटल टी। नाउ इंटरोगेशन, टी की वैल्यू जीरो पे टेम्परेचर जीरो था और टी टाइम पे टेम्परेचर क्या होगा, कैपिटल टी होना, क्योंकि उन्होंने पूछा हाउ मच टाइम, हाउ मच टाइम टाइम। आप करोगे इंटरोगेट, आपको आंसर आ जाएगा। इसको करेंगे इंटरोगेट तो ये वैल्यू बन जाएगी आपकी, ये वैल्यू इंटरोगेट करके आएगी एम एस, यहाँ पे आएगा तो टी आएगा और ये बनेगा अल्फा टी स्क्वायर बाई टू। तो यहाँ से टी का टर्म आप बाहर निकाल सकते हैं। अच्छा ये टर्म आ गया ना, देख ही रहा सी पार्ट में आपको दिख रहा होगा आंसर। यहाँ से आ जाएगा, उन्होंने टी पूछा था तो यहाँ से टी की वैल्यू आएगी, इस वी स्क्वायर को यहाँ पे आप भेजेंगे और आर नॉट को आप ऊपर भेज देंगे। इसको इंटरग्रेट करने के बाद दिस इज योर आंसर। तो इसका आंसर है सी पार्ट, तो आर नॉट एम एस वी स्क्वायर, दिस वन इट्स सी पार्ट। मैं बताऊँ ऐसे ही क्वेश्चन जी एडवांस में आएंगे, एकदम ऐसे ही आएंगे, तुम ज्यादा मत सोचा करो। जो मैं कह रहा हूँ मुझे अच्छे से पता है कि वही होगा। और कितना लेवल जाएगा जी एडवांस का, कल के क्लास में जो लेक्चर आएगा ना, कल के क्लास का जो लेक्चर आएगा उसके हिसाब से जी एडवांस में जो मैं 80 तक लिख रहा हूँ, मान लो, मान के चलो अब इसके अंदर वो उससे ऊपर नहीं जाने वाला जी एडवांस, एकदम नहीं जाने वाला है। कैलोरीमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन ईजी आता है ना, इसलिए नहीं जाएगा। क्वेश्चन नंबर वन के बाद क्वेश्चन नंबर टू पे आते हैं। टू का क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया होगा। कह रहा है कि एन इंसुलेटेड चैम्बर एट द हाइट एच अबव द अर्थ सरफेस एंड मेंटेन एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड हैज अ क्लॉक फिटेड विद एन अनकम्पेंसेटेड पेंडुलम। द मेकर ऑफ द क्लॉक फॉर द चैम्बर मिस्टेकली डिजाइन टू मेंटेन द करेक्ट टाइम एट एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड एट दैट हाइट। ओके, मतलब अर्थ के सरफेस से हाइट एच पे इंसुलेटेड चैम्बर एक है एट हाइट अबव द अर्थ सरफेस मेंटेन, इसके अंदर का जो टेम्परेचर टी है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसमें एक क्लॉक को फिट कर दिया गया, एक पेंडुलम क्लॉक फिट हो गया जो कि ऑसिलेट कर रहा है। मेकर क्लॉक एक्चुअली वो करेक्ट टाइम किसे बताता है, 20 पे, बट वो टी इक्वल्स टू 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे करेक्ट टाइम बताता है। इट इज फाउंड दैट द चैम्बर वेयर ब्रॉट टू द अर्थ सरफेस द क्लॉक इन इट वुड क्लिक द करेक्ट टाइम एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड। जब ये चैम्बर यहां पर जाता अर्थ के सरफेस पे, ठीक है, तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे अब ये करेक्ट टाइम बताता है, करेक्ट टाइम बताता है। द कोफिशियंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ द मटेरियल ऑफ पेंडुलम इज, ये जो पेंडुलम है, पेंडुलम इसकी अल्फा की वैल्यू कितनी है, अच्छा एच और आर के टर्म में बताना, जहां आर अर्थ के रेडियस है। चलो अटेम्प्ट करते हैं। 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे करेक्ट टाइम दे रहा है, तो मुझे ये बताओ अभी देखो तो जेई मेंस में ऐसा क्वेश्चन निकाला था, टाइम पीरियड होता है 2π√L अपॉन जी इफेक्टिव, और इस एल के जगह पे मैं लिख सकता हूं जी इफेक्टिव होता, ठीक है। एक्चुअल में यहां पे वो करेक्ट टाइम दे रहा है, यहां पे वो करेक्ट टाइम दे रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे एल अपान जी इफेक्टिव की वैल्यू और यहां पे एल अपान जी इफेक्टिव की वैल्यू एकदम बराबर है, तभी तो ऐसा हो रहा है। चलो एक काम करते हैं, मान लो यहां पे अर्थ के सरफेस पे लेंथ एल नॉट है अर्थ के सरफेस पे, और जी की वैल्यू तो अर्थ के सरफेस पे क्या होगी, जी नॉट होगी, तो यहां का टाइम पीरियड क्या होगा, 2π√L0 अपान जी नॉट, क्योंकि यहां पर करेक्ट टाइम, अच्छा ये बता रहा है
इज इक्वल टू सुनना, 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 30 डिग्री सेंटीग्रेड का लेंथ एल नॉट है और इस वाले पोजीशन पे जी की वैल्यू जी नॉट है, यही होना चाहिए 2π रूट। यहां पे इस रस्सी का लेंथ, इस स्ट्रिंग का लेंथ इस टेम्परेचर पे नहीं, इस टेम्परेचर पे कितना है ये निकालना पड़ेगा। 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे यहां पे लेंथ कितना है, उस लेंथ का पेंडुलम यूज करोगे तब वो करेक्ट टाइम देगा। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? मतलब यहां पे 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे लेंथ और यहां की जी की वैल्यू लगाएंगे तो करेक्ट टाइम आएगा। 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे 30 पे करेक्ट टाइम दे रहा है और यहां पे वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड करेक्ट टाइम दे रहा है। इसका मतलब कि उस ये जो पेंडुलम है, इस पेंडुलम का लेंथ यहां पे, उस इस पेंडुलम का लेंथ यहां पे कितना हो रहा है इस 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ये निकालना पड़ेगा हमें। तो वो हो जाएगा एल नॉट ब्रैकेट में 1 माइनस अल्फा इंटू टेम्परेचर चेंज घट रहा है ना, ये 30 है ये 20 है, टेम्परेचर घट गया 10, तो यहां पे लिखेंगे 10 और वहां पे जी की वैल्यू एकदम समझ गए होगे मैं क्या बोल रहा हूं। यहां पे जो जी है वो तो जी लिखोगे ही, लेकिन यही लेंथ यहां पे कितना हो जाता है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे तब ना करेक्ट टाइम देगा। तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसका लेंथ कितना यहां आप लिखेंगे, एन डिवाइडेड बाई ई जी इफेक्टिव, तो बनेगा जी नॉट ब्रैकेट में। अच्छा एक चीज और है, ये एच हाइट ऊपर जी की वैल्यू कितनी होती है, एक काम करो ना जी की वैल्यू हम अभी निकाल लेते हैं, इसको सिर्फ जी लिखो यहां, इसको जी रहने दो, स्क्वायरिंग कर दो, 2π से 2π कटेगा, एल नॉट से एल नॉट कट गया। स्क्वायरिंग करने के बाद जी की वैल्यू आएगी जी नॉट ये आएगा 1 माइनस 10 अल्फा और जी की वैल्यू होती है जी नॉट डिवाइड बाई 1 प्लस h अपान r का होल स्क्वायर। लेकिन देखो ये जो वैल्यू अल्फा है इट इज वेरी वेरी स्मॉल, इसका मतलब ये भी वैल्यू बहुत ही कम आनी चाहिए, ये भी वैल्यू बहुत ही कम आनी चाहिए क्योंकि अल्फा इज वेरी वेरी स्मॉल, तो इसको ऊपर बेस के बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा सकते हो, जी नॉट से जी नॉट कट जाएगा, बनेगा 1 माइनस 10 अल्फा और इसको ऊपर भेजोगे तो बनेगा 1 माइनस 2h अपान r, 1 से 1 कटेगा, 10 अल्फा पर 2h अपान r, देन h की वैल्यू हो जाएगी 2 पे 10 5r h की, अच्छा अल्फा की वैल्यू चाहिए ना, तो यहां से आपको अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी, 1 से 1 कटेगा 10 नीचे तो h अपान 5r एंड दिस इज योर आंसर h अपान 5r। इसके बाद जो क्वेश्चन थर्ड था वो ये है, देखिए ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है फॉर जे एडवांस, ठीक बहुत डिफिकल्ट नहीं है बट अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा कि फिगर शो द आइसोसेस ट्रायंगल फ्रेम ABC ऑफ द टू डिफरेंट मटेरियल शोन इन द फिगर, द थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट ऑफ द रॉड ADB इज α1 एंड लेंथ इज L1, इसका α2 है और L2 है, इसका L2, इसका α2, ये एक फिक्स पॉइंट है। इफ द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज इंक्रीजेस सच दैट इट्स फाउंड दैट डिस्टेंस CD रिमेन कांस्टेंट, ये डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहता है, तो बताइए लेंथ और अल्फा में क्या रिलेशन है। ठीक है, ये है आइसोसेल्स ट्रायंगल, ये एंड क्या है, फिक्स है, कोई बात नहीं, स्मूथ ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये फ्रीली एक्सपेंड करेगा इधर, ये भी फ्रीली एक्सपेंड करेगा, ये भी फ्रीली एक्सपेंड करेगा, बट ये लेंथ ना इंक्रीज करे। तो एक काम करते हैं हम लोग, सबसे पहले ना इस पूरे लेंथ को निकालते हैं किसी टेम्परेचर टी पे, तो टेम्परेचर टी पे इसका जो लेंथ है वो हो जाएगा L1 ब्रैकेट में 1 प्लस α1 δt, वैसे इसका जो लेंथ है वो हो जाएगा L2 ब्रैकेट में 1 प्लस α2 δt। आपको पूछे ये लेंथ बताइए, ये लेंथ अगर h है तो जो h की वैल्यू आएगी h का स्क्वायर वो हो जाएगा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का अंडर रूट, इसका स्क्वायरिंग करेंगे L2 का स्क्वायर, यहां से आएगा 1 प्लस α2 δt का होल स्क्वायर करोगे ना, लेकिन ये तो बहुत कम है तो बाइनोमियल एक्सपेंड हो जाएगा, तो यहाँ पे 2α2 δt बन जाएगा प्लस
इसका स्क्वायर में से ये स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस। अच्छा ये लेंथ इस पूरे लेंथ का आधा होगा क्योंकि ये इस ये एल टू अल्फा टू एल टू अल्फा टू तो हमेशा ये आइसोसेल्स ट्रायंगल ही बनेगा क्योंकि ये लेंथ हमेशा इसके बराबर रहेगा, तो ये आधा ही लेंथ बनेगा इसका। तो ये लेंथ कैसे आएगा, इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका आधा का सब स्क्वायर करेंगे एल वन बाई टू का स्क्वायर, तो एल वन बाई फोर ये बन जाएगा। स्क्वायरिंग करेंगे तो बनेगा वन प्लस टू अल्फा वन डेल्टा टी, ये बनेगा। अब h को डेल्टा t पे डिपेंड नहीं करना चाहिए, ये तभी पॉसिबल है जब डेल्टा t का कोफिशियंट क्या हो जाए जीरो। तो यहां से आप डेल्टा t का कोफिशियंट निकालेंगे तो हो जाएगा आपका l2 का स्क्वायर प्लस यहां से डेल्टा t को बाहर निकालो तो ये बनेगा 2 अल्फा 2 l2 का स्क्वायर माइनस, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो l1 बाई 2 बनेगा, l1 का स्क्वायर बाई 2 अल्फा वन डेल्टा टी, और ये इसको मल्टीप्लाई करके माइनस एल वन स्क्वायर बाई फोर बना देगा। अब एच कांस्टेंट रहना चाहिए, एच स्क्वायर कांस्टेंट होना चाहिए, तभी पॉसिबल है जब डेल्टा टी का कोफिशियंट जीरो हो जाए। तो इसको जीरो कर दो तो बनेगा टू अल्फा टू एल टू का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको जीरो करना है ना तो हो जाएगा एल वन का स्क्वायर बाई टू अल्फा वन। यहां से आपको एल वन अपन एल टू निकालना पड़ेगा तो इसको इधर भेज दीजिए, इसको इधर भेजेंगे तो बनेगा एल वन अपन एल टू इज इक्वल टू इसको इधर टू है टू का टर्म बाहर आ जाएगा, ये इधर आएगा तो हो जाएगा रूट अल्फा टू अपन अल्फा वन एंड दिस इज योर आंसर। एल वन अपन एल टू इज ट्वाइस ऑफ रूट अल्फा टू अपन अल्फा वन, इट्स आंसर इज ए पार्ट। तो आपने देखा कि एक सिंपल क्वेश्चन है बट ठीक है, ये जेईई एडवांस की प्रैक्टिस के लिए बहुत ही जरूरी क्वेश्चन था। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर। आई स्ट्रेट न्यूक्रोम वायर इज इनिशियली एट द रूम टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड, इट इज कनेक्टेड टू द आइडियल बैटरी ऑफ 500 वोल्ट्स। A straight nichrom wire is initially at room temperature 20 degree centigrade. Its initial temperature is 20 degree centigrade. It is connected to the ideal battery of 500 volts. Just after switching on, the current detected is 5 ampere. Okay, जैसे इसको स्विच ऑन कर रहे हो, इसका इनिशियल करंट रहता है 5 ampere. 5 ampere. Due to the heating effect, its temperature rises. इसका temperature increase करता है. Also losing the heat to the environment according to the Newton's cooling law. अच्छा, Newton cooling law के according ये atmosphere में heat radiate करता है इस formula के साथ आसा. At steady state, the current detected is 4.5 ampere. शुरू में 5 ampere है, तो 5 ampere है. उसके बाद वो 4.5 ampere हो गया. इसका मतलब क्या हुआ पता है? का मतलब हुआ कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ना शुरू किया ना, इसका रेजिस्टेंस इंक्रीज करना शुरू कर दिया, इसका रेजिस्टेंस इंक्रीज करना शुरू कर दिया। रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा तो करंट धीरे धीरे कम होगा और करंट घटते घटते 4.5 हो गया स्टडी स्टेट पे। ओके ठीक है, तो एक काम करते हैं ना सॉल्व करने के लिए, पहले हम लोग रेजिस्टेंस निकालते हैं। इनिशियल रेजिस्टेंस आर नॉट क्या होगा, देखो B इक्वल टू IR होता है, ये 500 है, ये 5 एम्पियर है, ये वोल्टेज हमेशा कांस्टेंट है, तो B अपान I कर देंगे रेजिस्टेंस आ जाएगा, तो 500 अपान 5, तो 500 अपान 5 दैट मींस 100 ओम का रेजिस्टेंस आ गया। जो फाइनल रेजिस्टेंस होगा 500 डिवाइड बाई 4.5, देखो 4.5 एम्पियर करंट, तो ये आ जाएगा आपका पांच से डिवाइड कर दो बनेगा 100 अपान 5.9। लेकिन आपको एक चीज पता है कि रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ इन जनरल लीनियरली वैरी कराते हैं, हम लोग लीनियरली वैरी करा रहे होते हैं क्योंकि अल्फा बहुत कम होता है और ये वैल्यू लगभग बराबरी है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। ठीक है, 10 गुने का ही बस अंतर है। ठीक है, तो हम लोग लीनियर मानेंगे क्योंकि अगर हम लीनियर नहीं मानते हैं तो उसमें लॉग का टर्म आ जाएगा, लॉग का टर्म आएगा तो उसकी वैल्यू हमें पता नहीं है, एक्सपोनेंशियल का टर्म्स आएगा हमें उसकी वैल्यू पता
नहीं है, तो बेटर होगा कि हम किसका टर्म्स यूज करेंगे, लॉग का टर्म के सहायता से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो लॉग का टर्म लेंगे, तो फाइनल रेजिस्टेंस 100 अपॉन 0.9, इनिशियल रेजिस्टेंस 100, ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अब अल्फा तब निकलेगा जब डेल्टा टी मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 1, अल्फा तब निकलेगा जब डेल्टा टी मिलेगा, अल्फा तब निकलेगा जब डेल्टा टी मिलेगा। टेम्परेचर कितना राइज किया, इनिशियल टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड था, ठीक है, समझ सकते हैं, ये पता करना और स्टडी स्टेट टेम्परेचर पता करना है, ये पता कर सकते हैं न्यूटन कूलिंग लॉ के सहायता से। एक्चुअल में इस बैटरी से जो रेट ही डेवलप हो रहा होगा, वो ही डेवलप ही इस रजिस्टर के थ्रू एटमॉस्फेयर में लॉस हो जा रहा होगा स्टडी स्टेट पे, जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर का बढ़ना बंद हो गया होगा, क्योंकि अगर वो एटमॉस्फेयर में हीट लॉस नहीं करता तो इसका टेम्परेचर का इंक्रीज नहीं होता, इसके टेम्परेचर का इंक्रीज होता, मतलब हीट लॉस अगर एटमॉस्फेयर में नहीं करता तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज करता। आर यू गेट मी पॉइंट ना, इसका मतलब अगर इसका टेम्परेचर बढ़ना कॉन्स्टेंट हो गया, इसका मतलब ये है कि ये जो हीट डेवलप कर रहा है वो एटमॉस्फेयर में लॉस में चला जा रहा है, तो क्या करेंगे, लॉस ये है बी स्क्वायर बाई आर के बराबर कर दें, तो यहां से डी क्यू की वैल्यू आएगी, डी क्यू की वैल्यू आएगी 45 टी माइनस 20 इंटू डी टी। देखो इसको इधर भेज दिया, इसी को लिख दिया वी स्क्वायर बाई आर के बराबर, वी किसके बराबर है 500, वी स्क्वायर बाई आर, या सिंपल वी इंटू आई, बातें किया ना, वी इंटू आई, वी स्क्वायर बाई आर भी किया, वी इंटू आई करो बातें की, तो भी किसके बराबर है, भी इसका 500 है, तो 500 और करंट कितना है 4.5, ये पावर हो गया। अच्छा इनटू दोनों का पावर बराबर कर दो ना, तो डी क्यू बाई डी टी ही तो पावर है बेसिकली, ये बराबर हो जाएगा, ये जो एटमॉस्फेयर में हीट डेवलप कर रहा है, हीट लॉस कर रहा है, वो इस फंक्शन को गवर्न कर रहा है, इस फंक्शन को जूल पर सेकेंड गवर्न कर रहा है, तो पावर ही है ना, तो पावर इक्वेट कर दो वी इंटू आई के, वी इंटू आई भी पावर होता है, आई थिंक तुम जानते हो अच्छे से, आई स्क्वायर आर या वी स्क्वायर बाई आर, वी इंटू आई, बस सॉल्व कर दो, इससे आपको आ जाएगा टी माइनस 20 इज इक्वल टू, यहाँ से 45 इधर जाएगा तो 0.1 बनाएगा तो आएगा 50, देन टी इज नथिंग बट 70, तो फाइनल टेम्परेचर है 20 डिग्री 70 डिग्री सेंटीग्रेड। अल्फा निकालना है तो अल्फा क्या होगा, ये 100 अपॉन 0.9, 100 100 कटेगा, इसको इधर भेज देंगे तो बनेगा 1 इज इक्वल टू 0.9, इसको इधर भेज दिया 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, टेम्परेचर चेंज, इनिशियल 20 था अब फाइनल 50 है, तो चेंज क्या आ गया 70 है, तो चेंज क्या आ गया 50 डेल्टा टी। अब अल्फा की वैल्यू निकालनी बाकी है, तो 0.9 इधर जाके 1 बना देगा, 0.9 इधर बना के 0.1 बना देगा, इज इक्वल टू 0.9 इंटू अल्फा इंटू 50 हो जाएगा। अब यहाँ से अल्फा की वैल्यू आएगी 0.1 से 0.1 कट जाएगा, ये बनेगा 1 अपान 450, 1 अपान 450 की जो वैल्यू आती है, ये कैलकुलेट कर लो, ये आ रहा है समथिंग 2.2 इंटू 10 टू द पावर 3 आ रहा है, थिंक -3 कुछ ऐसी डेटा है, देखो 2.2 10 पावर -3, यस, तो इसका सी पार्ट भी करेक्ट है, इसका ए पार्ट भी करेक्ट है, ओके, तो इस तरीके से मैंने इसके आंसर्स को बताया, थिंक आपको समझ में आया होगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आंसर था ए एंड सी। 4 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे आज का। इस क्वेश्चन को देखें, कह रहा है अब वाटर एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड
फिल्ड इन द क्यूबिकल कंटेनर ऑफ साइड 1 मीटर, द थिकनेस ऑफ द वॉल ऑफ वाटर ऑफ 50 डिग्री सेंटीग्रेड इज फिल्ड इन द क्यूबिकल कंटेनर। वाटर एट 50 डिग्री फिल्ड इन द क्यूबिकल कंटेनर ऑफ 1 मीटर, ये क्यूबिकल कंटेनर है जिसका साइड लेंथ 1 मीटर है एंड 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर को रखा गया। द थिकनेस ऑफ द वॉल ऑफ द कंटेनर इज 1 mm, तो जो थिकनेस है ये 1 mm का है। द कोफिशेंट द कंटेनर इज सराउंडेड बाई द लार्ज अमाउंट ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, द कंटेनर इज सराउंडेड बाई द लार्ज अमाउंट ऑफ आइस, इसके चारों तरफ आइस है, बहुत ज़्यादा अमाउंट का आइस है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, मतलब ये सिर्फ ये पिघले जहाँ ये पिघलेगा क्योंकि आइस 0 पे है ना, तो इधर से हीट जब जाएगी इधर तो पिघलेगा। द टेम्परेचर ऑफ द वाटर बिकम्स 25 डिग्री सेंटीग्रेड इन 10 ln 2 सेकेंड, मतलब इसका टेम्परेचर 50 से 25 जाने में जो टाइम लग रहा है 10 ln 2 लग रहा है। चूज द करेक्ट ऑप्शन, फाइंड द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ द कंटेनर एंड द आइस मेल्ट इन दैट ऑफ टाइम। अच्छा, फाइंड द थर्मल कंडक्टिविटी पता ही करना है। गिवन स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज 1 कैलोरी, द लेटेंट हीट फ्यूजन इज 80, डेंसिटी ऑफ वाटर इज इतना ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और हीट कैपेसिटी ऑफ कंटेनर इज 0। ओके, मास ऑफ द आइस मेल्ट इज इतना, ये सब दिया गया। ओके, थर्मल कंडक्टिविटी निकालना है और दूसरा आइस कितना मेल्ट किया ये निकालना है। तो ओके, ये वाटर, ये वाटर जब हीट देगा तो इसका टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, इसका मतलब शुरू में हीट का ट्रांसफर होने का रेट ज्यादा है लेकिन बाद में हीट का ट्रांसफर होने का रेट धीरे धीरे कम हो रहा है। तो किसी टाइम पे मान लो कि इसका टेम्परेचर टी हो जाता है, टेम्परेचर टी हो जाता है तो, लेकिन इसका तो जरूरी रहेगा, तो ये जो हीट देगा उस हीट की वैल्यू मैं लिखूंगा dQ/dt इज नथिंग बट कंडक्टिविटी के एरिया, क्रॉस सेक्शन ही दिया ये वाला, क्योंकि क्यूबिक क्यूबिक है तो एक, अगर एक सरफेस क्यूबिक है, सारा क्यूबिक सरफेस है, स्क्वायर सरफेस है, तो स्क्वायर के लिए क्या होगा 1:1, तो ये वाला एरिया भी 1:1, ए भी 1:1, ए भी 1, इधर वाला भी उधर वाला भी, तो टोटल एरिया क्या हो गया 6 मीटर स्क्वायर हो गया, 6 mm है ना, 6 mm है, ये ग्राम सेंटीमीटर क्यूब में चल रहा है, कैलोरी ग्राम में चल रहा है, ठीक है लगाते हैं। ये 1 मीटर थिकनेस 1 mm का है, तो 1 मीटर के 1 मीटर है साइड लेंथ, एरिया क्या होगा 1 मीटर स्क्वायर, तो आप लिखेंगे के ए, और टोटल 6 है ना सरफेस, टोटल क्यूब में 6 सरफेस है, तो के ए टेम्परेचर डेल्टा टी, टी माइनस 0 टी डिवाइड बाई थिकनेस, थिकनेस 1 mm का है, 1 mm को मीटर में बदल लेंगे, 10^-3 कर लेते हैं, तो के ए डेल्टा टी अपान एक्स लिख लिया। ओके, अब यहां से मैं डी क्यू निकाल सकता हूं, डी टी को इधर भेज के, और मुझे पता है ये जो डी क्यू है यही इधर बाहर निकल के, यही बाहर निकल रहा है और इस आइस को मेल्ट कर रहा है, मेल्ट कर रहा है। ओके, तो आप क्या करेंगे, यही डी क्यू लेके ये जो मास है, आइस का मास मेल्ट हो रहा है, तो हम इसको लिखेंगे डीएम इंटू एल, मतलब डी की टाइम में इतना हीट बाहर निकला, इतना हीट डी क्यू, इतना हीट बाहर निकला, इतने हीट से डीएम मास मेल्ट हो गया, डीएम मास मेल्ट हो गया, तो डीएम इंटू एल लिखेंगे, एल होता 80 किलो कैलोरी, किलो अच्छा ग्राम, ये तो जूल में जा रहा है ना, जूल में जा रहा है तो एसआई सिस्टम में चले, तो किलो कैलोरी, 80 किलो कैलोरी का मतलब 4.2 पर केजी,
80 किलो कैलोरी पर केजी। किलो को बदल लिया, नहीं 80 किलो कैलोरी, तो कितना कैलोरी हो गया, इतना कैलोरी हो गया। ठीक है, सही तो है, 4.2। आप क्या करेंगे यहां पे, ओके okay, और यही नहीं हुआ यहाँ पे, यहाँ पे ये भी हुआ कि ये तो आइस ने लिखा, लेकिन इसका भी तो टेम्परेचर घट रहा है, इसका भी तो टेम्परेचर घट रहा है, तो डीटी टाइम में ये तो, इसको तुम ये भी लिख सकते हो, ये हीट ट्रांसफर ऐसे हो रहा है, इसको तुम यहाँ से लिख सकते हो कि इसका कितना टेम्परेचर घट रहा, दैट इज इसका मास क्या है, एम, मास ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर इज डब्ल्यू लिख लो, एम डब्ल्यू, एम एस। वाटर की स्पेसिफिक कैपेसिटी क्या होती है, कितनी होती है, 1 किलो कैलोरी, तो 1 किलो कैलोरी, तो 1 किलो कैलोरी, तो एम एस डी टी, इतना का बराबर टेम्परेचर डिक्रीज करें, तुम इसको ये भी लिख सकते हो। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक टर्म है, इसका टेम्परेचर घट रहा है, तो इसको माइनस लिखना, आई थिंक डाउट नहीं होना चाहिए। ये जो हीट ट्रांसफर हो रहा है इधर से, उससे क्या हो रहा है, इसका भी टेम्परेचर घट रहा है, ना लिख दिया एम एस डी टी। और ये हीट ये ले रहा है, तो इस आइस का इतना मास वाटर में कन्वर्ट हो रहा है। अब इसका इक्वेशन लिखते हैं इन दोनों का, इन दोनों पे आते हैं। के की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दिया गया, कंडक्टिविटी पूछा हुआ, कोई बात नहीं, के 6/10⁻³ डी टी, कैपिटल टी को इसके नीचे लेके आओ, तो बनेगा एम डब्ल्यू 10³ 4.2 इंटू डी टी अपन कैपिटल टी। नाउ इंट्रोगेशन, इंट्रोगेशन में 0 पे टेम्परेचर कितना था, 50 था उसका, और किस टाइम पे, 10 ln2 पे, 10 ln2 पे, 10 ln2 पे टेम्परेचर 25 हो जा रहा है, 25। अब थोड़ा सा देखना पड़ेगा हमें, चलो तो क्या ये माइनस साइन है, अभी माइनस साइन यहाँ पर रहने दो, समझ गए क्यों, क्योंकि इसका टेम्परेचर घट रहा है तो डी टी निगेटिव होगा, माइनस माइनस करोगे तभी तो पॉजिटिव आएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो मैंने इसको भी पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस साइन मल्टीप्लाई कर लिया। अब यहाँ से देखो, ये इसको कैंसिल आउट करेगा, ये बनेगा 6K डी टी का इंटरोगेशन टी, और ये रखेंगे तो बनेगा 10 ln2 एम ऑफ डब्ल्यू। अच्छा इसका वॉल्यूम 1 m³ होगा, और वाटर की डेंसिटी 10³ मान लें, तो एम ऑफ डब्ल्यू लिखेंगे वॉल्यूम 1 × एम ऑफ डब्ल्यू, वॉल्यूम 1 भाई 1 m³ का क्यूब है, तो वॉल्यूम क्या होगा, 1 m³ इंटू डेंसिटी मल्टीप्लाई कर दूं, जो कि 10³ होता है, मास से जाएगा ये एम डब्ल्यू, फिर ये 4.2 यहां पर रहने दो, ये बनेगा ln t, एल एन टी बनेगा जब 25 रखोगे, तो ln 25/50, तो ये बन जाएगा ln 1/2, तो ln 1/2 माइनस ln 2, तो इसको प्लस कर लेंगे, ये इसको कैंसिल आउट कर देगा। अब के की वैल्यू पूछा, तो के की वैल्यू कुछ और नहीं, ये 10 तो 100 बनेगा, ये 10 तो 100 होगा, 100 से 0.2 तो 420 एंड डिवाइड बाई 6, तो ये कितना आएगा, 420/6, तो 420/6 7×42, ये 70 आ रहा है, तो इट्स आंसर इस ये पार्ट, तो आपने यहां से समझ लिया होगा इसका एक पार्ट ये रहेगा। अगला पूछ रहा हूं, आइस का कितना मास मेल्ट हुआ। ओके okay. तो जो हीट दिया ना, ये जो हीट दिया है, ये टेम्परेचर चेंज वही ml के बराबर होगा, ये कितना हीट दिया वही ml के बराबर जाएगा, इसने कितना हीट दिया, ml MST, तो m कितना इसका मास, इसका मास है इसका वॉल्यूम 1 m³ इनटू क्यूब, ये डेंसिटी है, वॉल्यूम मल्टीप्लाई मास, m s स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, वाटर का 1 किलो कैलोरी, 1 किलो कैलोरी पर केजी,
डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर चेंज 50 से 25 तक आने में कितना हुआ, 35, 35 नहीं 25। तो ये हो गया एम एस डेल्टा टी, यही किस में कन्वर्ट होना चाहिए, एम एल में कन्वर्ट होना चाहिए, एम इंटू 80 किलो कैलोरी, किलो 4.2, तो 4.2 10 का पावर 3 कैंसल आउट हो गया और m की वैल्यू आ गई, यहां से m की वैल्यू आ जाएगी 10 का पावर 3 इंटू 25 डिवाइड बाई 80। अब इसको कैलकुलेट कर लो तो इसका आंसर आता है 80, 312.5 kg एंड दिस इज योर आंसर। तो 312.5, 312.5 kg, इट्स आंसर इज सी पार्ट ऑल्सो। तो आपने देखा ये अच्छे क्वेश्चन है सब, एक्चुअल में यही क्वेश्चन है जो एडवांस में पूछे जाएंगे आपसे और सही में ऐसे ही पूछे जाएंगे, इससे बहुत डिफिकल्ट नहीं पूछा जा सकता आपसे। फिफ्थ के बाद क्वेश्चन नंबर सिक्स, जब मैं कह रहा हूं तो मान के चलो कि यही सही है, समझ रहे हो। अब ये क्वेश्चन है, एक बार इस क्वेश्चन को रीड करो। कह रहा है कि इनर सरफेस ऑफ सिलेंडर सेल ऑफ लेंथ एल एंड मेटेरियल ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी के केप्ट एट द कॉन्स्टेंट टेम्परेचर T1, इसका रेडियस आर है, इसका 2R है, ये मेटेरियल है जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी अंदर कंप्रेसर T1 है एंड बाहर का T2 है, सच दैट T1 इज ग्रेटर देन T2 एज शोन इन द फिगर। हीट फ्लो फ्रॉम द इनर सरफेस टू द आउटर सरफेस रेडियली आउटवर्ड, द इनर एंड आउटर रेडियाई ऑफ द सेल इज आर एंड 2R, ड्यू टू द लैक ऑफ स्पेस दिस सिलेंडर हैज टू बी रिप्लेस बाई ए स्मॉलर सिलेंडर ऑफ लेंथ L/2, इनर एंड आउटर रेडियाई R/4 एंड R रिस्पेक्टिवली, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मेटेरियल इज एन के, इफ द रेट ऑफ रेडियली आउटवर्ड हीट फ्लो रिमेन द सेम फॉर द सेम टेम्परेचर ऑफ इनर एंड आउटर देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। अच्छा ये एक कह सकते हो कि एक एवरेज लेवल का क्वेश्चन है, बहुत डिफिकल्ट तो नहीं है। एक्चुअल में ये करंट इलेक्ट्रिसिटी के सहायता से हम इसको अटेम्प्ट करेंगे, अंदर का टेम्परेचर और बाहर का टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो अगर मैं इक्विवेलेंट सर्किट इसका बनाऊंगा तो बीच में एक रेजिस्टेंस रखूंगा और कहूंगा कि इसका टेम्परेचर T1 रहना चाहिए, इसका टेम्परेचर T2 रहना चाहिए। आप कह रहे हैं कि रेट ऑफ हीट फ्लो बराबर है, इधर से इधर हीट फ्लो बराबर जा रहा है, हीट फ्लो बराबर तभी जा सकता है जब इसके बीच का रेजिस्टेंस आर क्या रहे, कांस्टेंट रहे, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, टेम्परेचर का डिफरेंस सेम है, दैट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम है इसका मतलब ये हो गया कि रेजिस्टेंस सेम रहना चाहिए तभी जाके करंट फ्लो सेम आएगा, करंट फ्लो का मतलब हीट फ्लो सेम आएगा, रेजिस्टेंस क्या होता है। अब इसका हमें रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा जिसका इनर रेडियस आर आउटर रेडियस 2R है, तो इसको मैं ऊपर एक सिलेंडर है जिसका लेंथ मान लो एल है, ऊपर से देखोगे तो आपको इस तरीके से दिखेगा ऐसा। अब इसके लिए आपको पढ़ा गया होगा, इंटरग्रेट करना सिखाया होगा कि आर पे जाके एक डीआर थिकनेस का सिलेंडर सेलेक्ट करेंगे, एक डीआर थिकनेस का सिलेंडर सेलेक्ट करेंगे। और ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा इसलिए कर रहा है, ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो एल अपान ए, रो एल अपान ए होता है, लेकिन लेंथ तो हर जगह सेम है, हर जगह सेम, हर स्ट्रिप के लिए सेम रहेगा, लेकिन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज हो रहा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहां से यहां तक जाते समय चेंज हो रहा है, इसलिए फॉर्मूला होता है ना एक्स अपान के इंटू ए, थर्मल रेजिस्टेंस का एक्स अपान के। तो एक्स ही बेसिकली डी आर बनेगा। अब ये जो ए है वो चेंज हो रहा है यहां से यहां तक जाते समय क्योंकि कर्व सर्फेस एरिया चेंज हो रहा है, इसलिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इसलिए मैंने इसमें स्ट्रिप सेलेक्ट किया। अब आर पे जाके मैंने डी आर थिकनेस एक स्ट्रिप लिया,
तो इस स्ट्रिप का जो रेजिस्टेंस आप लिखेंगे, थर्मल रेजिस्टेंस dr, dr इज नथिंग बट x अपान के, x क्या है, dr लेंथ है, dr अपान के कंडक्टिविटी अपान एरिया, इसका कर्व सरफेस एरिया। तो ये जो सिलेंडर है जिसका रेडियस कितना है r के बराबर है और लेंथ l के बराबर है, उसका कर्व सरफेस एरिया क्या आएगा, 2πr। एक सिलेंडर है जिसका इन रेडियस r है, इस सिलेंडर है जो r रेडियस पे है, तो कर्व सरफेस एरिया 2πr इंटू l, ठीक है। और इस एरिया को मैं इस dr में लाई करने वाले हर एलिमेंट के लिए सेम मान लूंगा, तो मैं इसके लिए लिखूंगा 2πr dr एक्स अपान के इंटू ए, 2πr dr, ये बन गया, नहीं 2πrl होगा ना, कर्व सरफेस एरिया, सिलेंडर है जिसका रेडियस r है और लेंथ l है, तो उसका कर्व सरफेस एरिया क्या बनेगा, कर्व सरफेस एरिया क्या बनेगा, 2πrl, कर्व सरफेस एरिया बनेगा 2πrl, ये बन गया। अब आपको इसको इंटरग्रेट करना, यहां से कुछ चीजें बाहर निकाल लो, जैसे कि 2πkl, 2πkl को बाहर निकाल लिया, 2πkl को, और ये बनेगा इंटरग्रेशन ऑफ dr अपॉन r। लिमिट कहां से कहां तक चलेगा, अंदर के रेडियस r1 है मान लो, बाहर के रेडियस r2 मान लियो। अब यहां से जो इसका रेजिस्टेंस आता है दैट इज 1 अपॉन 2πi k into l ln, ln r बनेगा, लिमिट रखोगे तो ln r2 अपॉन r1 बनेगा। अब आपको रेजिस्टेंस क्या करना है, सेम करना है, तो अब इसमें वैल्यू प्लेस करेंगे, जिससे शुरुआत में क्या था, तो 1πi 2πi k l, लेंथ l था, ln 2πi k l, ln r2, r2 इनिशियल r, r2 कितना 2r है और r1 क्या है, r है, देखो बाहर रेडियस 2r अंदर रेडियस r, तो यहां पर लिखेंगे r2 की जगह पे 2r डिवाइड बाय r इज इक्वल टू अगेन 1 अपॉन 2πi, कंडक्टिविटी n के हो जा रहा है, देखो कंडक्टिविटी n के हो जा रहा है, तो 2πi k की जगह पे क्या लिखेंगे, n के, और जो लेंथ l है उन्होंने l को कम करके l by 2 कर दिया, तो आप l by 2 कर दीजिए, इस एल की जगह पे एल बाई टू, एल एन आर टू अपन आर वन, आर टू क्या है, आर है, आर वन क्या, आर बाई फोर, आउटर आर अंदर आर बाई फोर, तो आर अपान आर बाई फोर कर देंगे, तो आर अपान आर बाई फोर करोगे तो फोर का टर्म ऊपर चला जाएगा, फोर का टर्म, अच्छा यहाँ पे एल एन फोर बनेगा, तो उसको लिख सकते हो एल एन टू इंस टू टू। अब देखो यहाँ से क्या कट रहा है, ये बनेगा एल एन टू, आर से आर कटेगा तो इसे कैंसिल कर देगा, टू पाई भी टू पाई को कट कर देगा, अब मुझे क्या चाहिए, k से k भी कट जाएगा, l से l भी कट जाएगा, ये पूरा टर्म हो गया वन, और ये टू, और ये टू ऊपर तक क्या बन देगा, फोर, फोर अपान n, तो यहां से जो n की वैल्यू आ रही है वो आ रही है, तो यहां से जो n की वैल्यू आ रही है दैट इज फोर, और ये आपका क्या है, आंसर है। सिक्स के बाद क्वेश्चन नंबर, अच्छा यहां तक तो हमारा होमवर्क था, इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके, तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर सिक्स के बाद क्वेश्चन नंबर सेवन है, और इसका जो लेवल है ये अगेन 55% के लेवल पे है, वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, तो आपने कर लिया होगा, अ स्टील वायर इज रिजिडली फिक्स्ड एट बोथ एंड, इट्स लेंथ मास क्रॉस सेक्शन एरिया आर 1 मीटर 0.1 केजी एंड 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर रिस्पेक्टिवली। अ स्टील वायर इज रिलेटिव फिक्स एट बोथ एंड, इट्स लेंथ, एक स्टील वायर है, इट्स लेंथ मास क्रॉस सेक्शन एरिया सब दिया गया, लेंथ 1 मीटर है, मास है 0.1 केजी एंड एरिया इज 10⁻⁶, देन द टेम्परेचर ऑफ द वायर इज लोअर्ड बाय द 20 डिग्री सेंटीग्रेड, जब इसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड कम करते हैं, एंड देन द टेम्परेचर ऑफ वायर इज लोअर्ड बाय 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, मतलब इनिशियली स्ट्रिंग ऐसे ही पड़ा था तो उसमें कोई इलॉन्गेशन नहीं होगा, लेकिन जब टेम्परेचर कम करोगे तो इस रस्सी का लेंथ कम होगा, लेंथ कम होने के चक्कर में ये कम होने नहीं देगा, तो ये रस्सी टाइट हो जाएगी, टाइट हो जाएगी। इफ द ट्रांसवर्स वेव आर सेट अप इन प्लकिंग द वायर एट 0.2 मीटर फ्रॉम द वन एंड,
एक एंड से 0.25 मीटर की दूरी पे आपने इसे प्लग करके छोड़ दिया, जब इसे खींच के छोड़ेंगे तो ऐसे ऑसिलेट करने लगेगा। एंड अज्यूमिंग दैट वायर वाइब्रेट विद द मिनिमम नंबर ऑफ लूप, मिनिमम नंबर ऑफ लूप में वाइब्रेट कर रहा है, सच दैट फॉर अ सच अ केस फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ स्टील वायर इज इतना एंड यंग मॉडुलस इज इतना। तो सबसे पहले आपको इसमें थर्मल स्ट्रेस निकालना पड़ेगा। जो थर्मल स्ट्रेस डेवलप होता है आपको पता होगा, थर्मल स्ट्रेस जो होता है दैट इज नथिंग बट यंग मॉडुलस अल्फा डेल्टा टी, ये आपको पढ़ाया गया। थर्मल स्ट्रेस इज यंग मॉडुलस अल्फा डेल्टा टी। स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया, इसमें टेंशन डेवलप हो रहा है दैट इज एफ अपॉन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया 10^-6। यंग मॉडुलस क्वेश्चन में दिया गया कितना, यंग मॉडुलस इज 2 × 10^11। अल्फा क्या है? लीनियर एक्सपेंशन ऑफ द स्टील इज 1.21 10^-5। टेम्परेचर का चेंज कितना आ गया, 20°C रख दिया। अब यहां से एफ की वैल्यू जो मिल रही है हमें वो देखो, ये 6 ये 5 11 इसको कट कर देगा, तो यहां से मुझे एफ की वैल्यू मिल गई 2 × ये 2:20 40 बनेगा, 40 × 1.21 बन जाएगा। ये थर्मल स्ट्रेस की वजह से फोर्स डेवलप आ गया। अब यहां पे तुमने प्लग किया है तो ये एक तरह से वाइब्रेट कर रहा है, तो ये स्टैंडिंग वेव है, स्टैंडिंग वेव है, दोनों एंड पे फिक्स है, आप प्लग करके छोड़ दिया। तो जहां पे आप प्लग करेंगे ऐसे खींचेंगे ना, वहां पे हमेशा एंटी नोड बनेगा, ऐसे प्लग करके छोड़ा हमेशा एंटी नोड बनेगा। और मिनिमम अगर लूप निकालना है तो यहाँ पे क्या बनना, यहाँ पे तो नोड बनेगा और यहाँ पे एंटी नोड आना चाहिए, मतलब ऐसा आना चाहिए ऐसा, ये मिनिमम है। अगर आपने इसमें एक लूप और बढ़ा दिया ना तो फ्रीक्वेंसी आप इंक्रीज कर रहे हैं, लूप बढ़ाएंगे तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगा। लूप को कम करना है तो मैं 25 सेंटीमीटर की दूरी पे एक एंटी नोड बनाया और इसको नोड बना दिया, ये बन गया इतना। तो ये इस तरीके से वाइब्रेट करेगा जिसमें ये एंटी नोड होगा और ये नोड होगा। अच्छा, नोड और एंटी नोड की बीच की दूरी कितनी होती है, λ/4। दिस इज λ/4, नोड और एंटी नोड, ये नोड है ये एंटी नोड है, बीच की दूरी λ/4। और ये कितना है क्वेश्चन में, 0.25 है, दैट मीन्स यहां से मुझे λ/2 की वैल्यू मिल गई कितने, 0.5 मिल गई, या यूं कहूं तो लैम्डा कितना मिल गया, 1। अब मैं चाहूं तो बना सकता हूं, टोटल लेंथ कितना है, 1 मीटर है, मतलब 1 मीटर है, मतलब 1 मीटर वेवलेंथ है। दैट मीन्स ये आपको बनना चाहिए, पता कैसे, एक लूप कंप्लीट होना चाहिए, मतलब ऐसा बनेगा आपका वेव। अगर मैं इसमें वेव सेटअप करूं तो मुझे वेव ऐसा दिखता नजर आएगा इस तरीके से। ये नोड है, ये एक वेवलेंथ है, तो ऐसा बनता नजर आएगा, इस तरीके से बनता नजर आएगा, ताकि ये λ/4 25 50 75 100 हो गए। अब देखो कह रहा है कि इसकी फ्रीक्वेंसी बताओ, तो फिक्स एंड स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला तुम्हें ऑलरेडी पता है, और ये सेकेंड हार्मोनिक है, तो फिक्स एंड स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है NV/2L, तो 2L और V की जगह पे √T/μ, T की जगह पे F/μ। अच्छा, यहां पे म्यू मैं निकाल सकता हूं मास बॉन्ड लेंथ से, म्यू की वैल्यू आएगी 0.1/1। अब उठा के यहां पे रख दो, तो जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, एन की जगह पे 2 क्योंकि सेकेंड हार्मोनिक है, फर्स्ट ओवर 2 है, तो एन की जगह पे 2 2/2। एल कितना है, 1 मीटर, √T, टी की जगह पे फोर्स एफ, 40 × 1.21 अपान म्यू, म्यू कितना है, 0.1, उठा कर रख दो यहां पर। अब ये कितना आएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा F। अच्छा ये देखो, ये 0.1 एक 0.1 कट करेगा और ये बन गया 40, तो पूरी वैल्यू हो जाएगी 4 × 1:1, 4 का √2 और 1 × 1 का 11, तो पूरी वैल्यू हो जाएगी 22 हर्ट्ज, एंड दिस इज योर आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर था 22 हर्ट्ज। क्वेश्चन नंबर 7 था, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 ये है।
अच्छा ये क्वेश्चन मान के चलो 40% के लेवल पे है, ठीक है, बट ये क्वेश्चंस आता ही आता है, ऐसे क्वेश्चन ना ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ज्यादातर क्वेश्चंस आते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को इसीलिए कराना पड़ रहा है, काफी क्लास में कराया गया होगा, बट फिर भी मैं करा रहा हूँ क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा आते हैं, एग्जाम में बहुत ज्यादा आ रहे होते हैं, तो इसलिए मैं करा रहा हूँ, अदरवाइज नहीं करा था। ठीक है, अब देखो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के हमारे पास दो तरीके हैं, एक होता है लॉग का अप्रोच और एक होता है एवरेजिंग मेथड। एवरेजिंग मेथड और लॉग का अप्रोच कब कौन यूज करना चाहिए, तो अगर क्वेश्चन में दिया गया हो कि गिवन एल एन बराबर दिस, या एक्सपोनेंशियल का फंक्शन की वैल्यू दी गई हो, ई टू द पावर दिस इक्वल्स टू दिस, या एल एन दिस बराबर दिस, तो लॉग का हेल्प लो सॉल्व करने के लिए। लेकिन अगर ये सब ना दिया गया हो, ठीक है, ये सब ना दिया गया हो और आपसे क्वेश्चन पूछे, तो एवरेजिंग मेथड का हेल्प लो। तो चूंकि इसमें कहीं भी क्वेश्चन के अंदर लॉग का टर्म नहीं दिया गया है मेरे सामने, साथ में क्या नहीं दिया गया, एक्सपोनेंशियल के टर्म्स नहीं दिया गया, तो मुझसे कह रहा है कि यूज करो एवरेज मेथड। अब एवरेज मेथड क्या होता है, एवरेज मेथड लॉ ऑफ कूलिंग, ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में एवरेज मेथड का फॉर्मूला होता है डेल्टा टी अपॉन डेल टी इस कॉन्स्टेंट के, या सी लिख लो इसको, टी ब्रैकेट में टी का एवरेज माइनस सराउंडिंग का टेम्परेचर, ये होता है। अब इसका हेल्प लेंगे, कह रहा 7 मिनट लग रहा 60 से 40 तक जाने में, तो डेल्टा टी टेम्परेचर चेंज है, तो डेल्टा टी कहाँ से, 60 से 40, तो 60 से 40 के लिए, 60 से 40 के लिए टाइम कितना लगा, 7 मिनट, तो यहाँ आप लिखिए डेल्टा टी की जगह पे 60 माइनस 40 दैट इज 20 अपॉन टाइम चेंज 7 इज इक्वल टू सी, यहाँ पे आएगा टेम्परेचर का एवरेज, मतलब 60 और 40 का एवरेज, ये कितना होगा 50, 60 प्लस 40 अपॉन टू 100 अपॉन 2 दैट इज 50, 50 माइनस सराउंडिंग का टेम्परेचर, उन्होंने सराउंडिंग का टेम्परेचर दे रखा है 10। तुम्हें लग रहा होगा कि सर ये भी क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन मैं तुमसे कह रहा हूँ कि प्लीज अटेम्प्ट करो, मुझे पता है। देखो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस पे अब मत जाओ, अब वो टाइम नहीं है, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पे जाने का टाइम नहीं है, अभी टाइम है कि हमारा टारगेट रैंक आए और हम पूरे एग्जाम तक मोटिवेटेड रहे, ठीक है, तो जो मैं कह रहा हूँ वो तुम करते रहो, ठीक है। तो हम क्वेश्चन एडवांस कर रहे हैं, एडवांस को क्वेश्चन कर रहा हूँ जो ज्यादा से ज्यादा आने की चांसेस है, इसलिए मैं इसे कर रहा हूँ ये क्वेश्चन बोलो। अब अगला टाइम क्या है, इन नेक्स्ट 7 मिनट व्हाट विल बी इट्स टेम्परेचर इन नेक्स्ट 7 मिनट, तो मान लो टेम्परेचर टी हो जाता है, मतलब 40 से टी हो जाता है, तो आप क्या लिखेंगे डेल्टा टी, टी माइनस 40 कितना टाइम, 7 मिनट, कॉन्स्टेंट यही रहेगा, टेम्परेचर का एवरेज 40 से टी जाना है ना, तो 40 और टी का जो एवरेज आएगा 40 प्लस टी अपॉन टू माइनस सराउंडिंग टेम्परेचर 10, समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 2, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो, इसको इसको डिवाइड करोगे तो बनेगा 20 अपन टी माइनस 40, 20 अपन टी माइनस 40, ये कट जाएगा सी कटेगा, ये आएगा 50 माइनस 10, 40 डिवाइडेड बाई ये पूरी वैल्यू आ जाएगी, तो ये 2 इधर आएगा तो 20 बनेगा, 20 सबट्रैक्ट कर दो तो 20 प्लस टी बनेगा, और 2 को ऊपर भेज दो, अब यहां से आ जाएगा आपका ये, इसको कट कर देगा 4 का टर्म इधर, तो 40 माइनस 160 20 प्लस टी 3 टी, इसको इधर भेजेंगे तो बनेगा 180, तो टी कितना आ गया 60 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए, ओ नो ये क्या रहा है, 60 से 40, 40 से कम आना चाहिए ना, ये आएगा 160 20, 180 कहाँ गलती कर रहा हूं। ओके देखो मुझसे गलती कहाँ हुई, यहां गलती हो गई, अरे 40 से टी जाना है ना, तो टेम्परेचर चेंज 40 माइनस टी होगा क्योंकि टी कम है, 40 से टी जाना है ना, 40 से टी, तो चेंज इन टेम्परेचर 40 माइनस टी, यहां देखो 60 से 40, 60 से 40 20 बनाया ना, तो 40 से टी, तो 40 ज्यादा है तो ये बनेगा, ठीक है, तो ये बनेगा इतना, ये बनेगा प्लस, बाकी तो ये रहेगा, तो ये इधर आएगा तो हो जाएगा 5 टी,
और ये हो जाएगा 140, 90 इज नथिंग बट 5 × 10, 1/40, 28 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड दिस इज योर आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9, ये ग्राफ है ठीक है, और अगेन बोल दूं कि बहुत डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स नहीं है, बट आपको सीखना है, इन क्वेश्चन को सीखना है। कह रहा देखो, फिगर शोज इन द क्रॉस सेक्शन, मेन क्वेश्चन के लेवल लिख लो, ये क्वेश्चन 8 है, क्वेश्चन 9, अगेन 50% के लेवल पे है, क्वेश्चन नंबर 10 अगेन 50% के लेवल पे है, क्वेश्चन नंबर 11 अगेन 50% के लेवल पे है। आप पढ़ेंगे, पढ़ लीजिए क्वेश्चन, उसके बाद ये क्वेश्चन पॉज करना है, सॉल्व करना है, ये क्वेश्चन पॉज करना है, सॉल्व करना है, ये क्वेश्चन पॉज करना है, सॉल्व करना है। ओके, आई थिंक आपने सॉल्व कर लिया होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि फिगर शोज इन क्रॉस सेक्शन अ वॉल कंसिस्टिंग ऑफ 4 लेयर विद द थर्मल कंडक्टिविटी के वन बराबर, के वन की वैल्यू दी गई है, के थ्री दी गई है, के वन पता है आपको, के थ्री पता है, के फोर पता है, तीन चीजें पता है। लेयर थिकनेस आर एल वन, आपको एल वन पता है, एल थ्री पता है, एल फोर पता है। द टेम्परेचर ऑफ द इंटरफेस एज शोन इन द फिगर्स, इस इंटरफेस का टेम्परेचर है 30 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका है 25 डिग्री सेंटीग्रेड और इसका है 10 डिग्री सेंटीग्रेड। एनर्जी ट्रांसफर थ्रू द वॉल इन स्टेडी स्टेट। पहला क्वेश्चन, द टेम्परेचर ऑफ द इंटरफेस बिटवीन 3 एंड 4, 3 एंड 4, ये 3 है ये 4, इसके बीच का, इस लेयर का, इस पॉइंट का टेम्परेचर चाहिए। तो एक चीज होता है कि स्टेडी स्टेट पे जो हीट इससे ट्रांसमिट होगा वही हीट इससे ट्रांसमिट होगा वही इससे, हर जगह से हीट ट्रांसमिट सेम होगा। तो आप इसको इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम की तरह से बना सकते हो इस तरीके से कि यहाँ का टेम्परेचर आप 30 लिख सकते हो, के बाद इसके बीच का रेजिस्टेंस ऐसे, ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ का, फिर इसके बाद ऐसे इसका टेम्परेचर लिख लिया, फिर इसके बाद ऐसे इसका टेम्परेचर लिख लिया, दैट इज टी जो कि निकालना है, फिर रेजिस्टेंस ऐसे। अब देखो क्योंकि तीनों ही सीरीज में है तो जो हीट इससे फ्लो करेगा वही हीट इससे फ्लो करना चाहिए, हीट का फ्लो सेम करो, लेकिन यहां लिखेंगे हीट का फ्लो। अच्छा, हीट का फ्लो क्या होगा, टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, टेम्परेचर डिफरेंस डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, और के फोर तो मुझे पता ही है, कोई बात नहीं। तो पहला क्वेश्चन का आंसर करने जा रहा हूं, इसका टेम्परेचर डिफरेंस। अच्छा, इसका रेजिस्टेंस कितना आएगा, इसका रेजिस्टेंस आर वन आएगा, आर वन एक्स अपान के, एल वन अपान के वन इंटू ए, यहाँ का रेजिस्टेंस आएगा, वैसे यहाँ का भी लिख लीजिएगा जो कि एल फोर है। समझ गए होगे मैं क्या करने जा रहा हूँ, रेजिस्टेंस यहाँ का आएगा एल फोर अपान के फोर इंटू ए, ये वाला रेजिस्टेंस आर फोर। तो हीट फ्लो क्या होगा, टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, तो 30 है 25, तो डिफरेंस क्या आएगा 5 डिवाइड बाई रेजिस्टेंस, एल वन अपॉन के वन ए, तो एल वन अपॉन के वन ए इज इक्वल टू, यहां पे टेम्परेचर डिफरेंस टी माइनस ऑफ -10, T+10 आएगा, T+10 डिवाइड बाई एक्स अपॉन के, एक्स क्या, एल फोर अपान के फोर ए, एल फोर अपान के फोर ए। अब यहां से देखो ए से कट जाएगा और आपको 5, के वन की वैल्यू आपको पता है, देखो के वन की वैल्यू हमें पता है, के वन इज 0.06, के वन इज 0.06, एल वन कितना है, देखो एल वन आपको पता है 1.5,
1.5 को 1.5 में ही रखो क्योंकि यूनिट कट जाएगा, दैट इज टी प्लस 10 इन टू के फोर, के फोर कितना है 0.1 है तो 0.1 रखो। एल फोर कितना है क्वेश्चन के अंदर, एल फोर है क्वेश्चन में 3.5, बस इससे आंसर आ जाएगा। अब इससे जो आएगा ये आएगा आपका, इसे कैलकुलेट करते हैं, 5 इंटू ये 0.1 इधर आके 0.6 में कन्वर्ट करेगा इंटू 3.5, 1.5 टी प्लस 10, तो टी प्लस 10 0.1 इसको 0.6 5 3.5 1.5। एक बार मैं कैलकुलेट कर लूं, फाइव इंटू 0.06 नहीं 0.6 इंटू 3.5 डिवाइडेड बाई 1.5 दैट इज 7। ये 7 आ रहा है, पूरी वैल्यू 7, तो t की वैल्यू कितनी आएगी 7 इधर भेजेंगे तो -3°C, तो इट्स द आंसर इज सी पार्ट्स। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया क्वेश्चन को कैसे करते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, द टेम्परेचर ऑफ इंटरफेस बिटवीन 2 एंड 3, सेम वर्क 2 और 3 के बीच का, 2 और 3, ये 2 है 3, ये टेम्परेचर चाहिए यहाँ का, ये मान लो ये T2 है, सेम वर्क करना है आपको, आपको इसके बीच का हीट ट्रांसफर और ये बराबर कर दो, तो सेम वर्क करना है, तो T2 - T कर ले, T2 - T और T निकाल चुके हो तो T2 - T इसी में कर लेते हैं, T2 - T। ये जो टर्म आ रहा है ना, ये जो टर्म आया है इसी को हम लिख लेते हैं T2, मतलब यहीं पर लिख लेते हैं T2 - T डिवाइडेड बाई, देखो T2 - T डिवाइड बाई इसका रिस्टेंस, इसका रिस्टेंस आएगा x अपान के, x क्या है L3 अपान K3 है, L3 अपान K3 है, तो L3 अपान K3 a, तो ए अगेन कट जाएगा, ये हो जाएगा T2 - T upon L3 into K3। अब देखो T2 - T, तो T2 - T आप निकाल ही चुके हो, बाद में रख लेना, ये वैल्यू कैलकुलेट करना है ना, तो L3 ये लिखो, तो T2 - T into K3 क्वेश्चन में कितना दिया गया, K3 है क्वेश्चन में, K3 है 0.004 और L3 क्या है 2.8, तो 0.004 और 2.8 0.004 और L3 है 2.8, एक बार फिर चेक कर लो 0. ओके ठीक है, अब इसको वैल्यू निकालनी है, तो मैं T2 - T की वैल्यू निकालने जा रहा हूँ, इसकी वैल्यू, तो ये जो 2.8 है ना इधर भेज दो, तो बनेगा 5 इंटू 0.06 इंटू 2.8, देखो 5 इतना इंटू 2.8 डिवाइडेड बाई 0.04, अभी जो वैल्यू आती है आपकी ये देखो ये आएगी 5 इंटू 0.06 2.8 डिवाइडेड बाई 21 आता है T2, और T की वैल्यू -3 है तो माइनस ऑफ माइनस थ्री प्लस 3 हो जाएगा, दैट इज 21, तो इसे से T की वैल्यू क्या आ गई 18, तो इसका आंसर हो जाएगा 18, T2 इज नथिंग बट 18, तो T2 आपका 18 आ जाएगा, तो 18 इज कहीं फिलहाल क्वेश्चन के अंदर नहीं दिख रहा है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं हम लोग गलत कर रहे हैं, क्या गलती हुई बताओ, अच्छा यहां पे हमने इसका आंसर -3 था तो ये -3 होगा ध्यान रखना, और यहां पे हमने कैलकुलेशन मिस्टेक की है,
ये 0.04 जब मैं इधर भेजूंगा तो 1.5 भी तो रहेगा नीचे, 1.5 भी तो रहेगा, तो 21/1.5, 21/1.5 ये आ रहा है 14, दैट इज 14। और टेम्परेचर कितना था? T2 - T, और T हमारा कितना आया था? माइनस थे, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 14, तो इससे T2 कितना आएगा? दैट इज 11। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है नथिंग बट 11। तो इट्स आंसर इज ये पार्ट। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। 11 कह रहा है कि लेयर थिकनेस ऑफ L2 इज इतना एंड कंडक्टर इतना, K2 विल हैव द वैल्यू, K2 की वैल्यू कितनी होगी? हीट ट्रांसफर ही आपको बार बार इक्वल करना है, हीट ट्रांसफर ही आपको बार बार इक्वल करना है। तो पहला जो लाइन थी ना, मुझे इसी में आगे बढ़ जाना था। दैट इज देखो इस क्वेश्चन में सेकेंड का टेम्परेचर 25 है, ये 30 है, टेम्परेचर डिफरेंस लिखते हैं। अच्छा उन्होंने पूछा था किसका? K2 की वैल्यू ना, तो 25 है और मुझे इसका टेम्परेचर हम लोग निकाल चुके हैं। T2, T2 आया है 11, इसका टेम्परेचर आया है 11, इसका टेम्परेचर आया था -3, इसका 11 है। तो यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस अपन ये रेजिस्टेंस, तो 25 - 11, 25 माइनस यहाँ लिखेंगे 25 - 11 डिवाइड बाई टेम्परेचर ऑफ द इंडस लेयर इज, अच्छा नहीं लेंथ चाहिए ना उसके बाद, एक्स अपान के लेंथ 1.4 है, 1.4 है लेंथ, 1.4 है ना, अब 1.4 है लेंथ, 1.4 है सेंटीमीटर में, तो एक्स एक्स अपान के इनटू ए एरिया लिख लिया एक्स अपान के। अब एरिया से तो एरिया कट गया, सेंटीमीटर की यूनिट है ये 1.5, इसको तो कट ही कर देगा। अब यहां से जो के की वैल्यू आएगी, ये जो डेटा है ना 5 यही रहेगा, और यहां से ये कटने के बाद ये वैल्यू इसको इक्वेट करेंगे, इसको इक्वेट करेंगे, तो यहां पे कर ले इक्वेट। देखो ये आएगा 5 × 0.06 डिवाइड बाई 1.5 इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू ये 25 में से 11 का कितना आएगा? आई थिंक 4 आएगा, नहीं 14 आएगा ना, 14/1.4, 14/1.4 इंटू के, ये हट जाएगा वहां से। तो यहां से जो टर्म आ रहा है ये कितना आएगा? यहां से जो के है की वैल्यू आएगी, के की वैल्यू इसको निकाल लेते हैं एक बार, कैलकुलेट कर ले। हालांकि आप तो समझ ही होंगे, 5 × 15 3 × 6 करीब 2 का टर्म आ रहा है, 2 का टर्म आ रहा है, के कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर में 2 के टर्म्स दिखने चाहिए। तो हर जगह दिख रहा है, इनमें से कोई एक आंसर है तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये आएगा हमारा K2 इज 0.02 इतना आ रहा है, ठीक है। तो ये 2 × 10^-2 है, तो 2 × 10^-2 है, इट्स आंसर इज ये पार्ट। तो इस तरीके से देखा आपने कि मैंने आज आपको फिलहाल क्वेश्चन नंबर 11 तक बताया।